मालिक जीवनाथ चेयर भी उधर कर दो। चालू करेंगे मालिक। बेटा इसके लिए सेल लेके आना, कल चेंज किया था क्या? सेल मंगा आगे। गुड मॉर्निंग संदीप, इसका सेल बदलना। चलो जी, अबे वो संदीप एक मिनट देना। आगे। अच्छा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आ रहा है मेरे को सब कुछ याद आ रहा है। मैं अपना बुक सबसे पहले पेज से खोल रहा हूँ जहां से मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया क्या मैंने ओपन। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था। से यस, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते ही मेरे बच्चे, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते ही क्या किया था हमने? रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते ही सबसे पहले 6-1 पढ़ा था। तो 6-1 के कितने पार्ट थे बेटा? दो। अ पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, देखो और बोलो, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा जी सर, ओके बेटा। इधर कोने में जो आप दोनों हैं,
कल भी आप लोग बात कर रहे थे, आज भी आप लोग बात कर रहे हो, प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। या एक काम करो, बाहर जाके पूरा अच्छे से बात कर लो, दो तीन घंटा फिर आओ, है ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ जी, देखो मेरी एक बात समझो, यहां से ना एक हाथ बार आके देखना, सब दिखता है। सुनो, हाँ, तो मालिक पर्सन के नीदर भी रेसिडेंट ऑनर, रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन फोर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, रेसिडेंट है तो मम्मी को बोलो, आर आर के लिए कितनी कंडीशन है, दो। पहला, ही इज रेसिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग, तो नहीं तो ठीक है। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया एंड अर्न मोर देन 15 लाख, तो उसको रेसिडेंट मानेंगे अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ही इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। क्लियर है मालिक? अच्छा, अगर कोई व्यक्ति इनकम ही कमा रहा है ओनली अप टू 15 लाख रुपीस, देन ओनली 182 डेज वाला कंडीशन है। हाँ या हाँ? फिर हमने देखा था 61A, क्या तुम्हें याद है? हाँ, तो 61A पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी है। से यस। क्या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है? वो सिर्फ किसके लिए बेटा? इंडियन सिटीजन। सो अगर कोई इंडियन सिटीजन है, कायमन तुम्हें, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है एंड इज नॉट लायबल टू पे टैक्स एनीवेयर, क्या वो इंडिया में डीम्ड रेसिडेंट हो जाएगा? और इंडिया में अगर डीम्ड रेसिडेंट हो गया तो क्या उसको डायरेक्टली हम RNOR में क्लासिफाई करेंगे? बहुत शानदार बेटा। इसके बाद हम निकले थे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF को देखने के लिए, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, ठीक है। रजिस्टर में ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा, नोट्स में था, याद है ना। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन, तो नहीं तो करता सेटिस्फाई 66, डू नॉट सेटिस्फाई 66, करता सेटिस्फाई 66 होल HUF ROR, नहीं तो होल HUF RNOR, क्लियर है? बाजू करो अदर पर्सन के लिए, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन, तो नहीं तो याद है? सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये मारो आर आर एन आर करते, बाकी सब अदर पर्सन या तो आ रहे या तो एन आ रहे, क्या तुम्हें याद है क्या बहन बच्चा? ठीक है। अच्छा जी, कंपनी को लेके आएंगे, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी पोयम इन इंडिया पोयम आउटसाइड इंडिया, पोयम इन इंडिया पोयम आउटसाइड इंडिया। यहां से हम धीरे से सेक्शन 5 पे शिफ्ट हुए थे, अब तुम्हारे रजिस्टर को देख लो बेटा। यहां से हम धीरे से सेक्शन 5 पे शिफ्ट हुए थे, क्या तुम्हें याद है? सेक्शन 5 पे शिफ्ट होते ही सबसे पहले हमने देखा कि भैया रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट जो है ये या तो ROR या तो RNOR या तो NR के अंदर में जाता है, बराबर। अब ये तीन सिचुएशन के अंदर में वो बैठ रहा है तो उसको दो तरीके की इनकम हो सकती है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम, बराबर है। इंडियन इनकम टैक्सेबल, खैर अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, अभी हम सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं व्हाट इज इंडियन इनकम व्हाट इज फॉरेन इनकम। ओ या, फिर यहां से हम लोग आगे निकले फॉरेन इनकम को ढूंढने के लिए, तो फॉरेन कहती है मैं वो हूं जो मैं वो नहीं हूं। यस, फॉरेन कहती है कि मैं इंडियन नहीं हूं। मैं बोला ठीक है भाई, तू इंडियन नहीं है, मान लेता हूं मैं तू इंडियन नहीं है। अच्छा जी, इंडियन इनकम मतलब चार चीजें होती है। पहला, रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। एक मिनट, पैसा अगर इंडिया में मिले, ट्रांजैक्शन किसी के भी बीच में हो रहा हो, त्याच्याशी काही घेण देण, ट्रांजैक्शन किसी के भी बीच में हो रहा हो, विल इट बी टैक्सेबल इन इंडिया ब्रो? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो चार चीजें डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी। बता मेरे बच्चा कौन सा चार चीज है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF बियॉन्ड 12%, इंटरेस्ट ऑन RPF बियॉन्ड 9.5%,
URPF टू RPF एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। यहाँ पैसा हम आपको ना देकर के आपके भी आपके किसी फंड में डाल रहे हैं, तो क्या ये डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा? यस। तीसरा, अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया इवन इफ रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अगर पैसा अक्रू या अराइज इंडिया के अंदर में हुआ है तो ये इंडिया में ही टैक्सेबल माना जाएगा। क्या तुझे याद है? इसके बाद मैंने देखा था डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन नंबर 9 की बात चल रही है अब। हाँ, याद है ना तुम्हें? हाँ, सेक्शन नंबर 9 की बात चल रही है। 9 में सबसे पहला पॉइंट लिखा था बीसी, हम बीसी पे गए नहीं, हम डायरेक्ट आगे गए। यस, सेकंड से लेके एंड तक के सारे पॉइंट खोद डाले हमने। पहला, सैलरी अर्न इन इंडिया, डायग्राम देखते जाइएगा साहब आपकी बुक में। अगर सैलरी इंडिया में अर्न की जा रही है, दैट इज सर्विसेज इंडिया में रेंडर की जा रही है, तो इनकम विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, बराबर है। दूसरा, अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया दे रही है, तो सैलरी टैक्सेबल है, अलाउंसेस और परक्विजिट एग्जम्प्ट है। इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहा है तो इनकम विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, चाहिए इंटरिम डिविडेंड हो या ये फाइनल डिविडेंड हो। याद है क्या? इंटरिम डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल शेयर होल्डर को मिला, फाइनल डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल एजीएम में डिक्लेयर किया। क्या तुम्हें याद है क्या? ठीक है जी। इसके बाद हमने देखा था बेटे, इसके बाद हमने देखा था अगर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है किसी नॉन रेसिडेंट को, चाहे इंडियन गवर्नमेंट से मिल रहा हो, रेसिडेंट से मिल रहा हो, या नॉन रेसिडेंट से जो यहां क्या कर रहा है, बिजनेस या प्रोफेशन, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है। इंटरेस्ट वर्ड को हटाओ, रॉयल्टी वर्ड को डाल दो, रॉयल्टी वर्ड को हटाओ, एफटीएस वर्ड को डाल दो। क्या तुम्हें याद है? बराबर है। फिर रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को मनी गिफ्ट किया आउटसाइड इंडिया, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? याद है, यहां पे सिर्फ मनी कवर था बेटा। क्या कवर था? मनी कवर था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टी इन इंडिया, सानिया मिर्जा जी का एग्जांपल था। अगर प्रॉपर्टी या कैपिटल असेट इंडिया के अंदर में है तो इनकम विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। यहां तक के हम लोगों ने एग्जांपल भी लिए थे कि इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं बीसी पे, बीसी पे आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कई बच्चे कह रहे हैं सर मेल नहीं रिसीव हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बेटा आपको नंबर दे रहा हूं फिर एक बार, टिंग 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 टिंग। लो जी, इनमें से कोई भी नंबर डायल कर देना, आपके चैट बॉक्स में डाल दिया है। और 10 बजे के बात करना, सुबह 8 बजे करोगे कोई नहीं मिलने वाला है, वो लोग सीए नहीं कर रहे, समझ रहे हो ना बात? आप कर रहे हो, वो लोग नहीं कर रहे, तो 10 बजे के बात करियो। चल मेरा बच्चा। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है, ठीक है बेटा, डोंट वरी। मेरी एक बात सुनो, पूरे कोर्स में ऐसा पॉसिबल है मैं आपको आज होमवर्क दूँ और शायद एक महीने बाद उसको सॉल्व कराऊँ? 100% पॉसिबल। होमवर्क का मतलब वो आपसे करना एक्सपेक्टेड था, मेरे को आके नहीं, पर मैं उसका सोल्यूशन जरूर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो जी सर, कार गिफ्ट करी वो टैक्सेबल नहीं है क्या? नहीं है सर। यस, चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग बीसी पे। बीसी को समझने से पहले पी समझना पड़ेगा। सर क्या कहे जा रहे हो, सुबह सुबह कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए मुझे आपको थोड़ा सा सीए फाइनल में लेके जाना पड़ेगा। नाउ अज्यूम यू आर इन सीए फाइनल, अज्यूम बोला मैंने, ठीक है, अज्यूम यू आर इन सीए फाइनल पर जरूर पहुंचोगे, इस बात की गारंटी है। सुनना, देखो प्रॉब्लम क्या थी और टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन किस तरह से वर्क करता है, लिखना कुछ नहीं, इंटरनेशनल टैक्स किस तरीके से वर्क करता है, बराबर, और इंडिया ने कितनी समझदारी दिखाई है आपको यह बताऊंगा। ईमानदारी से यहां पे लॉ मेकर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, जेन्युइनली। अब समझते हैं और पॉइंट पे ध्यान देते हैं, हाउ थिंग वर्क्स। लेट अस अंडरस्टैंड, इंटरनेशनल टैक्स में हम टैक्स कैसे कर सकते हैं। इंटरनेशनल टैक्स में टैक्स होता है पीई के भरोसे। किसके भरोसे? पीई। पीई स्टैंड्स फॉर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है रेसिडेंशियल स्टेटस में। ये बात समझ के चलो, क्योंकि हमारा 6 भी खत्म, 5, 7, 8 और 9 भी खत्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर ही एंड होने आ रहा, क्योंकि चैप्टर में ही 5 से 9 था,
ठीक है। तो लास्ट पढ़ाव है, अब तक का अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा तो आज आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पिछले 3 दिन से हम कर क्या रहे हैं, आज सारी क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इंटरनेशनल टैक्स सीए फाइनल या रियल लाइफ में पी के भरोसे चलता है। अब आप ये पूछेंगे कि सर पी क्या है, पी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है मान लीजिए एक गूगल कंपनी है, बराबर है, ये कंपनी यूएसए में है और ये कंपनी ऑपरेट कर रही है कहां पे बेटा, चाइना में। ये कंपनी ऑपरेट कर रही है कहां बेटा, चाइना में, बराबर है। अब चाइनीज गवर्नमेंट गूगल से तभी टैक्स कलेक्ट कर सकती है, चाइनीज गवर्नमेंट गूगल से तभी टैक्स कलेक्ट कर सकती है जब गूगल का पीई कहां हो, चाइना में। मतलब किसी भी कंपनी, एसोसिएशन, व्यक्ति या एक शब्द में पर्सन, किसी भी पर्सन से कोई कंट्री तभी टैक्स कलेक्ट कर सकती है जब उसका पीई कहां हो, इंडिया में, या पी उस कंट्री में हो जिस कंट्री को टैक्स कलेक्ट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी अगर चाइना को गूगल से या अन्य किसी भी व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट करना है तो उस व्यक्ति का पीई कहां होना जरूरी है, चाइना में होना जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब आप कहेंगे पीई मतलब क्या होता है, पीई का मतलब होता है कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब कोई एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए जहां से वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा हो, मे बी अ ऑफिस, मे बी अ शोरूम, मे बी अ गोडाउन, मे बी अ वेयरहाउस, और मे बी एनी प्लेस जहां से वो बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है, राइट। जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, नहीं, स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए, एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या होना चाहिए, एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से इस बिजनेस की पहचान हो उस कंट्री में, बराबर है। अच्छा जी, तो चलिए वापस से बताइए, आपका ध्यान था मेरा नहीं था, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पर हमने शुरुआत तो बीसी से की थी तो हम पी पे कहां पहुंच गए, डीसी समझने के लिए पहले, और पी आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल में है। अब समझ में आया पूरा लिंक कहां से चल रहा है, पर आज का बीसी समझने के लिए आपको पहले पी समझना होगा। अब पी वर्ड एक्चुअली यूज होता है इंटरनेशनल टैक्स में, इंटरनेशनली अगर कोई भी कंट्री को टैक्स कलेक्ट करना है, लेट्स से चाइना को टैक्स कलेक्ट करना है, कहां से कलेक्ट करना है, गूगल से कलेक्ट करना है, गूगल इज इन यूएसए, वो चाइना में भी ऑपरेट कर रही है। अब चाइना को अगर गूगल से टैक्स कलेक्ट करना है तो गूगल का पीई कहां होना जरूरी है, चाइना में। अब पीई मतलब क्या होता है, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से गूगल चाइना में ऑपरेट कर रहा होगा, ये ऑफिस हो सकता है, वेयरहाउस हो सकता है, दुकान हो सकती है, शॉप हो सकती है, कोई एक सादी टपरी भी हो सकती है जहां से ये ऑपरेट कर रहा हो, खत्म, कोई फिक्स प्लेस होना जरूरी है। लेकिन ऐसे चक्करों में फेसबुक के ऊपर हजारों केस दर्ज है, गूगल के ऊपर हजारों केस दर्ज है इनके टैक्स इवेजन के। यस, ये कंपनीज जितनी फेमस है अपनी सर्विसेज के लिए उतनी ही बदनाम है टैक्सेस के लिए भी। पूछिए क्यों? दे ऑपरेट वर्चुअली, दे डोंट हैव फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, इसलिए मैंने आपको गूगल का एग्जाम्पल दिया। सी, लेट्स से पतंजलि, पतंजलि ऑल्सो हैज वन फिक्स प्लेस शोरूम इन थाईलैंड, सो वट एवर इनकम दे आर अर्निंग फ्रॉम थाईलैंड, पतंजलि दे वुड बी लायबल टू टैक्स इन थाईलैंड। क्यों? क्योंकि उनका एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बराबर है, और ऐसे अन्य कई एप्स हो गए जिसमें राइट या लेफ्ट स्वैप चल रहे हो सकते हैं, ये सारे ऑपरेट कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी फिक्स्ड प्लेस। अब गूगल इनकम कैसे कमाता होगा, या यूट्यूब बोल दीजिए आप, वन ऑफ द पार्ट, ये इनकम कैसे कमाता होगा। आप जब भी अपना यूट्यूब ओपन करते हैं, आप कभी देखते हैं एक एडवर्टीजमेंट चालू हो जाती है, ये एडवर्टीजमेंट प्ले होने के लिए क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है, जिसमें से कुछ पेमेंट वो खुद रखते हैं और बचा हुआ पेमेंट जिसका चैनल है उसको दे देते हैं, जिसका चैनल है उसको दे देते हैं। इट्स अ शेयरिंग रेवेन्यू मॉडल, सिंपली वर्क करता है। अब ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप सोचिए ना, आज आपके हाथों में मोबाइल है, दुनिया भर के ऐड आ रही है, हर चीज गूगल से लिंक्ड है, तो सबसे ज्यादा पैसा गूगल कमा रही है। अब गूगल कोई विदाउट फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस कमा रही है, करोड़ों रुपए चाइना से जा रहे हैं, चाइनीज गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर पा रही, जैसी चाइनीज गवर्नमेंट जाती थी ये कहने के गूगल ट्रांसलेट करके बोलता था टैक्स चाहिए, यस, Don't you liable to pay tax? कोई fixed place of business नहीं है ना मामा, सुनो, अरे मामा, टैक्स लेने के लिए क्या होना जरूरी है,
पी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, हमारा कोई फिक्स प्लेस है ही नहीं। देर इज नो इंस्टैब्लिशमेंट, शॉप, ऑफिस, वेयर हाउस, कुछ भी नहीं आपकी कंट्री में। टैक्स लोगे कैसे? आपकी कंट्री में तो पी लिखा है। यानी अगर चाइना को टैक्स कलेक्ट करना है तो गूगल का ऑफिस होना जरूरी है। चाइनीज गवर्नमेंट चाहेगा गूगल का ऑफिस हो, लेकिन गूगल ऑफिस डालेगा ही नहीं। गूगल ऑफिस डालेगा ही नहीं, उसका टैक्स सेव हो रहा है। और ऐसे कई सारी कंपनीज अपना टैक्स इवेड कर देती थी बिकॉज ऑफ पी। समझ में आया क्या? मेरे को पूरा लिंक ही नहीं समझा। एक्चुअली मैं नींद में हूं, आप जगे हो, मैं नींद में हूं। प्लीज मेरे को समझाओ वो क्या रहा है लाइफ में, मैं पढ़ क्या रहा हूं वैसे? नहीं और पीछे जाओ, मैं कौन से सेक्शन पे खड़ा हूं? झंडू 5 पे खड़ा हूं। झंडू बाम केसरी जीवन 5 पे चल रहे अपन। ओ चम्मी कपूर, एक मिनट पेज पलटो, 9 पे नहीं 5 पे हम। गेम शुरू हुआ था 5 पे, सेक्शन नंबर 5। समझ में आया क्या? 5 से हम इंडियन इनकम ढूंढने निकले तो वहां पे 4 शब्द मिले, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू अक्रूड इन इंडिया। तो वहां से हम 7, 8, 9 पे आए, 9 को खोदने निकले तो करीब 10 आइटम पड़े थे वहां पे। उसमें का सबसे पहला आइटम खोद रहे बीसी। समझ में आया? हम 9 पे नहीं 5 पे है, समझ रहे हो? यहां से आए 9 पे, 9 का पहला वर्ड है बीसी, लेकिन बीसी समझने से पहले समझना होगा। तो हम इंटर से निकल गए, फाइनल में घुस गए। फाइनल में हमें एक कंसेप्ट समझना है पी। पी कहता है किसी भी कंट्री को टैक्स तब कलेक्ट करने मिलेगा जब किसी पर्सन का इस कंट्री में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो। अब आप ये पूछेंगे सो व्हाट इज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब कोई फिक्स प्लेस ऑफ, ये कुछ भी है, छोटी सी कुटिया भी हो सकती है, हाँ, जहां से वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा हो। अगर पी है तो आप करोगे। अब यहां पर टैक्स इवेजन कैसे होता था या कैसे होता है? पर्सन अपना परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिश ही नहीं करता। अब सोचिए मैं अगर गया, ध्यान से सुनना, मैं अगर किसी दूसरे कंट्री में गया, इनकम कमाया, मैंने वहां पे घर ही नहीं लिया, आई स्टे इन होटल, आई डोंट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो मेरे नाम पे हो। आई डोंट हैव परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। मैं वहां हॉस्टल में रह रहा हूं, आई डोंट हैव परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। और जब मेरा पी नहीं है तो वो मेरे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। अब ऐसी कई कंपनीज थी जो टैक्स इवेड कर रही थी, जिसमें गूगल, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपना इनकम कमा रहे थे लेकिन ये टैक्स नहीं दे रहे थे। इंडिया को भी समझ में आया साला हमारे साथ ऐसा हुआ तो, कि जरूरी थोड़ी ना धोखे हमेशा खुद ही खाए जाएं, कई बार दूसरों के एक्सपीरियंस भी तो काम आते हैं। बात समझना, बहुत डीप थी। जरूरी थोड़ी ना हर आदमी खुद ही धोखे खाए, कई बार दोस्तों के दुख भी तो समझ सकते हैं ना, कि इस चक्कर में ना पड़ी और गालिब है ना। यहां मंजिलें तो नहीं पर रास्ते बहुत हैं। बात समझना। फिर इंडिया ने अपने पसंदीदा शब्दों से दो शब्द उठाए, ऐसे शब्द जो हमारे देश के कप्तान क्रिकेट के बड़े अक्सर यूज करते हैं, जिसको नहीं समझा पोगो, बराबर है। तो इंडिया ने अपने शब्द डिक्शनरी से दो बड़े शब्द उठाए, बी सी, ऐसे शब्द जो भारतीय कप्तान बड़े आसानी से यूज कर लेते हैं। अब भी अगर ना समझे तो कोई बात नहीं बेटा, तुम गुल्ली डंडा खेलने के लिए बने हो, या तो बचपन में डॉक्टर डॉक्टर निकला नहीं अभी तक बाहर। तो इन्होंने दो बड़े शब्द उठाए, बड़े शब्द उठाए बी एंड सी, और लाया बिजनेस कनेक्शन। क्या लाया? बिजनेस कनेक्शन। और इन्होंने कहा कि हम किसी के परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पे टैक्स नहीं करेंगे, हम टैक्स करेंगे किसी के बिजनेस कनेक्शन के बेसिस पे। हम टैक्स करेंगे किसी के बिजनेस कनेक्शन के बेसिस पे, हम भैया यू नो पी के बेसिस पे नहीं करेंगे। जिसका मतलब ये हुआ अब इंडियन टैक्सेस इस बेसिस पे नहीं होंगे कि आपका ऑफिस इंडिया में है या नहीं, आपका बिजनेस का कनेक्शन इंडिया में है या नहीं, उस बेसिस पे टैक्स करेंगे। समझ रहे हो?
ये थी सबसे समझदारी वाली पॉइंट। इससे हमें पावर मिला कि हम उनको भी टैक्स कर सके जिसका परमानेंट ऑफिस इंडिया में नहीं है। अब समझ में आया कुछ? तो बिजनेस कनेक्शन के ऊपर फोकस हुआ, ना कि पीई के ऊपर। इंडिया ने बोला पूरा वर्ल्ड भले ही पीई यूज कर रहा होगा, तेल लगाने गया, नव रत्न तेल लगाने गया, मैं यूज करूंगा बीसी, आसानी से याद भी हो सकता है, फैमिलियर भी है। आप बात समझ रहे हो? लाइफ कहां से कहां आ गई, पहले क्या मीनिंग हुआ करता था, अब क्या मीनिंग होता है, समझ आ रहा है मेरी बात को? यस। सो लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो गई सर आपकी। देखिए पहले क्या मीनिंग होता था बिजनेस कनेक्शन का, अब क्या मीनिंग है बिजनेस कनेक्शन का। सो बिजनेस कनेक्शन के बेसिस पर टैक्स करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि अब आपका कोई ऑफिस इंडिया में हो या ना हो, पर आपका बिजनेस कनेक्शन के थ्रू आप अगर इनकम इंडिया से कमा रहे हैं तो भाई साहब हम आपसे लेके रहेंगे क्या टैक्स। चेक करिए पेज नंबर 9 के ऊपर, आप सभी की निगरानी में, ऑल इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और थ्रू और फ्रॉम एनी असेट और सोर्स इन इंडिया और थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया। ओनली सो मच ऑफ द इनकम इज टैक्सेबल। ओए भाई साहब ये तो सुनिए, ओनली सो मच ऑफ द इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया एज इज एट्रीब्यूटेबल टू एक्टिविटी इन इंडिया, दैट इज ओनली इनकम अक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया। हम ग्लोबल इनकम टैक्स नहीं करना चाह रहे, इनकी बात समझना। गूगल की ग्लोबल इनकम टैक्स कर दिया इंडिया में तो समझ रहे हो क्या कितना आएगा, एनुअल बजट के ऊपर चल जाएगा गेम। उनने बोला कि हम पूरा इनकम टैक्स नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपना हक का लेना चाहते हैं। यस, जो मेरा है नहीं वो मुझे चाहिए नहीं, और जो मेरा है मैं वो उसे छोड़ूंगा नहीं। बात सिंपल है इंडिया की। तो इंडिया ने कहा कि मैं उतना ही टैक्स कलेक्ट करना चाहता हूं जितना एक्टिविटीज इन इंडिया से जनरेट हुआ। तो उन्होंने बिजनेस कनेक्शन बोला। बिजनेस कनेक्शन तीन तरफ से है। व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, पहले तो मीनिंग बताया है। दूसरा डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, हम मानेंगे कि ये बिजनेस कनेक्शन है। और तीसरा नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। सो बिजनेस कनेक्शन और तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सुनो ना एक बात, डेप्थ समझना। 5 से निकले थे 7 पे, 8 पे 9 पे, 9 से निकले 9 में 10 आइटम निकला है, उसमें पहला आइटम पड़ रहा है बीसी। बीसी में और तीन आइटम है। व्हाट इज बीसी, डीम्ड बीसी, नॉट अ बीसी। वापस से सुनो, चैन से सुना है तो जाग जाओ। सुनो, बहुत इजी है, सुनो मेरा बात। सिर्फ एक बार लिंक लगा दो, ठीक है। कहां से निकले, 5 से गए 7, 8, 9, 9 में 10 आइटम लिखे हैं, इसमें का पहला आइटम पड़ रहा है क्या, बीसी। बीसी में और तीन आइटम है। बीसी क्या है, कुछ चीजों को हम बीसी मानेंगे और कुछ चीजों को हम बीसी, बराबर है, कुछ चीजों को बीसी मानेंगे, कुछ चीजों को अज्यूम करेंगे बीसी, और कुछ चीजों को नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए सो अब समझते हैं। पहला, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, सबसे पहले यह समझना होगा। अगर बिजनेस कनेक्शन में क्या क्या आता है, आओ मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन, एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा है, सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा है बिजनेस कनेक्शन होता क्या है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने इधर सारे एग्जांपल बना रखे हैं। इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड अरे इंक्लूड आप नहीं बुझे, डेफिनेशन इंक्लूसिव है, मतलब जो लिख रहे हैं वो तो आएगा ही, कुछ और नहीं लिख रहे वो भी आ जाएगा। लिखने वाले ने बड़ी समझदारी दिखाई है और ईमानदारी से दिखाई है, इसमें कोई लूपहोल नहीं, उसने इन्होंने डायरेक्ट छेद मारा है डायरेक्ट इनकम में, कोई लूपहोल नहीं। बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। अगर कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में इंडिया में एक्ट कर रहा है, हम इसको बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। अ पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट हैज हैबिचुअली एक्सरसाइज इन इंडिया
एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। अगर एक रेसिडेंट है जो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है, एक रेसिडेंट है इंडिया में नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है, तो हम उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में क्या मानेंगे? बिजनेस कनेक्शन। और हैबिचुअली कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट और हैबिचुअली प्लेस द प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय दैट नॉन रेसिडेंट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट आर इन द नेम ऑफ नॉन रेसिडेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और ग्रांटिंग ऑफ राइट और प्रॉपर्टी बाय नॉन रेसिडेंट एंड फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय नॉन रेसिडेंट। अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करता है या प्रिंसिपल रोल प्ले करता है टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट माना जाएगा। इसे बड़े सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, भारतीय रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैगवार टाटा, इंडिया में जैगवार रिलेटेड लैंड रोवर डिविजन रिलेटेड, लैंड रोवर में मेरी फेवरेट गाड़ी भी आ रही है रेंज रोवर डिस्कवरी जैगवार्स। जैगवार इज नॉन रेसिडेंट वेयरएज टाटा इज रेसिडेंट। इंडिया में जैगवार लैंड रोवर डिविजन रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो कौन कंक्लूड कर रहा है? टाटा। Are you getting my point? So, आपको नहीं लगता किसी नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है? अब जैगवार का सपोज अगर इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं भी है, क्या बिजनेस कनेक्शन के चक्कर में इसे भी टैक्स देना पड़ जाएगा? समझ में आया? बीसी कितना बड़ा वर्ड लेके आए ये लोग। बीसी बहुत बड़ा वर्ड है, छोटा वर्ड समझ रहे हो तुम? बहुत बड़ा वर्ड है, समझ आ रहा है? So, उन्होंने नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे रेसिडेंट अगर कंक्लूड करता है, प्रिंसिपल रोल भी प्ले करता है इन कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन। अब जैगवार के पूरे वर्ल्ड का इनकम टैक्सेबल होगा या जैगवार जितना इंडिया से कमा रहा है उतना टैक्स कर देंगे? जैगवार जितना इंडिया से कमा रहा है उतना टैक्स कर देंगे, हाँ या ना? बस यही बात तो लिखी है, यस यही बात तो लिखी है, चेक करिएगा। जैगवार इज अ नॉन रेसिडेंट, टाटा इज रेसिडेंट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑन बिहाफ ऑफ जैगवार इन इंडिया इज गिवन टू टाटा। सो क्या मैं कह सकता हूं जैगवार हैज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया? क्योंकि पहला वर्ड कह रहा था अगर आप किसी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड भी करते हैं या प्रिंसिपल रोल भी प्ले करते हैं इन कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन। मुझे ईमानदारी से बताइए, ऐसे डायग्राम क्या आपकी हेल्प करेंगे सेल्फ स्टडी करते हो? बहुत मेहनत करिए, ईमानदारी से बहुत मेहनत करिए, किताबों के ऊपर आप देख सकते हो। लास्ट टाइम का अगर आपका कोई भी सीनियर होगा उसका बुक देखना, उसका सीधा आधा किया है आपका, लेकिन पूरा कंटेंट विद फोटोग्राफ आपके इसमें ज्यादा है। सॉफ्टवेयर का यूज किया है, टेक्निकली एक सॉफ्टवेयर का यूज करके किया है। सो अगर देखोगे जैगवार इज अ नॉन रेसिडेंट, टाटा इज रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का इंडिया में अगर कोई कंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट या प्रिंसिपल रोल भी प्ले कर देता है इन कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या माना जाएगा? बिजनेस कनेक्शन। आप जिस कॉलेजेस के अंदर में है, कई बार आप देखोगे इंटरनेशनल डिग्री के टाइप्स होते हैं उस कॉलेज में। अब कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है, इज दे लाइबल टू टैक्स इन इंडिया? हु? नॉन रेसिडेंट। सेक्शन 9 नॉन रेसिडेंट के लिए है, सेक्शन 9। गेटिंग माई पॉइंट मालिक? दूसरा, हैज नो सच अथॉरिटी, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की। बट हैबिचुअली मेंटेन इन इंडिया अ स्टॉक ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज फ्रॉम विच ही रेगुलरली डिलीवर गुड्स और मर्चेंडाइज ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। भैया कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं कर सकते, पर उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में आप क्या मेंटेन कर रहे हो? स्टॉक। अगर आप उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में स्टॉक भी मेंटेन कर रहे हो, हायर बहनों, उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बीसी माना जाएगा। आप सिर्फ उसके बिहाफ पे स्टॉक भी मेंटेन कर लो तो, यस, आप सिर्फ उस इस पे स्टॉक भी मेंटेन कर लो तो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, चेक करो। डोमिनोज, हु नोज डोमिनोज? डोमिनोज, आप जब पिज्जा खाने जाते हैं तो देखिएगा डोमिनोज के डब्बे पे जुबिलेंट फूड दिखता है। यस, जुबिलेंट फूड शेयर्स है रजिस्टर्ड इंडिया में। सो जुबिलेंट फूड डोमिनोज को रिप्रेजेंट करता है इंडिया के अंदर में।
नाउ मेरी बात समझना, दे डू नॉट कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ डोमिनोज पिज़्ज़ा, दैट्स एन इंडिपेंडेंट कंपनी, बट आर दे मेंटेनिंग स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ डोमिनोज पिज्जा बेस चटनी एटसेट्रा एटसेट्रा? अरे हाँ या ना? क्या नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे रेसिडेंट स्टॉक मेंटेन कर रहा है? ये भी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। यानी जरूरी नहीं आप उनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट ही कर ले, आपने अगर उनके बिहाफ पे स्टॉक भी मेंटेन कर लिया तो हम आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में ही मानेंगे। सर ऐसा क्यों किया? आखिर इंडिया में कोई सेल होगा तो वो स्टॉक से ही सेल होगा। जैसे आपने एक वेबसाइट सुनी होगी बहुत सस्ता गुड्स बेचती है, अलीबाबा.com, बराबर है? आप सोचिए आप अलीबाबा से कुछ भी चीज परचेस करते हैं कैसे दो दिन में डिलीवरी हो सकता है? चाइना से इंडिया में माल पॉसिबल ही नहीं है दो दिन में डिलीवर हो जाना, कस्टम क्लियरेंस को लग जाता है दो दिन, तो फिर कैसे पॉसिबल होता होगा? अलीबाबा ने इंडिया में एक वेयर हाउस रखा है। क्या रखा है? वेयर हाउस। और जितने प्रोडक्ट वो अपने वेबसाइट पे दिखा रहे हैं उसके सर्टन नंबर ऑफ स्टॉक्स वो इंडिया में मेंटेन कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जब भी आप अलीबाबा.com पे कुछ ऑर्डर करते हो 3 से 4 दिन में इंडिया में डिलीवरी आ रही है आपको। मतलब समवन इज देयर हु इज मेंटेनिंग स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। आर दे लायबल टू टैक्स इन इंडिया? खत्म। सो दे आर लायबल टू टैक्स इन इंडिया। सो नॉन रेसिडेंट जुबिलेंट मेंटेन स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ डोमिनोज, सो डोमिनोज हैज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पहला, या तो आप नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करें, इसे हम बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं कर सकते तो उसके बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करें, इसे भी हम बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। तीसरा, हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होल्ली फॉर नॉन रेसिडेंट। मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं करते, स्टॉक भी मेंटेन नहीं करते, पर आप नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे ऑर्डर इंडिया में सिक्योर कर लेते हैं। आप नॉन रेसिडेंट की भी आप पे ऑर्डर कहां सिक्योर कर लेते हैं? इंडिया में सिक्योर कर लेते हैं। एंड अदर नॉन रेसिडेंट कंट्रोलिंग कंट्रोल्ड एंड सब्जेक्ट टू सेम कॉमन कंट्रोल एज बाय नॉन रेसिडेंट। अगर आप उसके बिहाफ पे ऑर्डर भी सिक्योर कर लेते हैं, चलिए समझते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। पहचानते इस दुकान को आप? बहुत बढ़िया, यस। सो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जेठालाल, जनरली जेठालाल की दुकान में आपको एमआई के मोबाइल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, पर बिजनेसमैन है, बिजनेस तो छोड़ेगा नहीं। तो समझते हैं उसके सोसाइटी का एक मेवा सेक्रेटरी कायते आत्मराम तुकाराम भिड़े विजिट जेठालाल, राइट? कहता है जेठालाल एक सस्ता सुंदर टिकाऊ मोबाइल चाहिए। उन्हें कहता है हाँ भाई बोल ले क्या चाहिए तेरे को, अच्छा वाला मोबाइल दूंगा तेरे को। कहते मोबाइल एमआई नहीं, वो बहुत मुश्किल है भाई, वो वाला तो मेरे पास नहीं है, पर मैं तेरे को मंगा के दूंगा, टेंशन मत ले तू, मैं तेरे को मंगा के दूंगा। नाउ इज ही कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एमआई? नो। इज ही मेंटेनिंग द स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ एमआई? नो। बट वो पैसे ले लेता है, ऑर्डर सिक्योर कर लेता है और एमआई से ऑर्डर मंगा के देता है। क्या इस बिहाफ पे भी तो नॉन रेसिडेंट इंडिया में सेल ही कर रहा है? सो एमआई शाओमी नॉन रेसिडेंट, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ एमआई, एमआई हैज अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो तीन चीजें बिजनेस कनेक्शन मानी जाएगी। इंडिया ने पीई ना उठा के बीसी उठाया, अब बताओ समझदारी की या नहीं? रेवेन्यू के हिसाब से समझदारी की या नहीं? यस दे हैव डन अ वेरी फैंटास्टिक जॉब। Had they adopted the word PE, India would not have been able to collect taxes. जबकि इंडिया ने 1991 में LPG लाया था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। सो वी इन्वाइटेड ग्लोबल कंपनी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। वी हैव टू मेक अ लॉ सो दैट we can collect the taxes from that non-resident in India. So, इसीलिए हमने PE word को नहीं adopt किया, क्योंकि PE word को adopt कर लेते तो कई countries के अंदर में जैसे tax evasion हो रहे वैसे भारत में भी हो जाते, इसलिए we adopted the word PE. अब PE कहता है, what is PE? अगर आप Indian text में BC, what is BC?
अगर आप नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में कॉन्क्लेव कंक्लूड करते हैं या प्रिंसिपल रोल भी प्ले कर देते हैं। दूसरा, आप स्टॉक मेंटेन करते हैं उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे। तीसरा, आप उसके बिहाफ पे ऑर्डर भी सिक्योर कर लेते हैं तो भी क्या माने जाएंगे बेटा? बीसी माने जाएंगे। यस, अच्छा जी सर, क्या हर केस में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा? एजेंट रिलेशन भी तो हो सकता है। अरे एजेंट रिलेशन भी तो हो सकता है कि कमीशन बेसिस पे काम कर रहा हो, एजेंट रिलेशन भी पॉसिबल है। हाँ या हाँ? तो अगर एजेंट रिलेशन है तो भी क्या बीसी लग जाएगा? देखिए एक एग्जांपल समझिए। आज अगर मान लीजिए मुझे दुबई जाना है, बुर्ज अल अरब होटल, पता है ना तुम्हें ये होटल सेवन, अकेला सेवन स्टार होटल है वर्ल्ड का, समझ रहे हो बात? बहुत जबरदस्त होटल है, अपन कभी गए नहीं। हाँ मैं यहाँ नहीं गया, मैं वो दूसरे वाले में गया, वो जहाँ वो हैप्पी न्यू ईयर मूवी शूट हुई थी ना, वहाँ पे एटलांटा, पाम एटलांटा। भाई लाइफ में ना एक बार मतलब पैसा कमाना और पाम एटलांटा जरूर जाना। मतलब यार मैं तुमको बियॉन्ड मतलब एक्सपीरियंस ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम्हारा जो रूम है ना वो एक्चुअली समुद्र के अंदर रहेगा और वहां पे एक बहुत बड़ा कांच और मछलियां आ रही है रूम के अंदर में, मतलब लिटरली लाइक दिस, और लाइट्स ऐसे लगे हुए हैं कि आपको लगेगा समुद्र से लाइट्स आ रहे हैं। इतना गजब का एक्सपीरियंस, मतलब फट जाएगा रूम बुक करते वक्त, पक्की बात है, मेरा बात समझो, फट जाएगा, पर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। मेरा जो था वो 72,000 रुपीस था पर डे, एक ही दिन हिम्मत हुई अपनी भी। हाँ नहीं तो भाई, और उसके बाद बिल्कुल ऐसे वाले होटल में गए जिस होटल में पानी की भी तकलीफ है। पर साहब वो एक बार का जो एक्सपीरियंस है ना वो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। जरूर ट्राई कीजिएगा कभी अगर मौका मिले लाइफ में। यस, दंड पे वापस आते हैं। अब मान लीजिए राइट, ये मेरा भाई, नाम क्या भाई तेरा? वरुण। सो ये मेरा भाई वरुण की शादी होती है, वो बोलता है मैं चांद पे जाऊंगा। अरे वो बोलते ना हनीमून। हाँ ये भाई बोलता है मैं चांद पे जाऊंगा। अब ये इसकी बीवी बोलती है भैया यू नो मेरे को कहीं तो अच्छी जगह पे लेके जाओ। भाई बोलता है अरे अपन सीए, अपन ने बहुत पैसा कमाया है, ध्यान से सुनना, अपन जाएंगे भुज अल अरब। अब भुज अल अरब को कहाँ से बुकिंग करेगा? तो ये एक इंडियन ऐप उठाता है, मेक माई ट्रिप, एक इंडियन ऐप उठाता है मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप पे भुज अल अरब डालता है और वहां से ये क्या कर लेता, बुकिंग कर लेता। नाउ अंडरस्टैंड, इज ही कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट? यस, बट यहाँ पे रिलेशन क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट एजेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट एजेंट है। ये सिर्फ इसी का काम कर रहा है क्या? नहीं, किसी भी तरह की होटल, किसी भी तरह की, मान लो इसके बाजू वाला दोस्त बोलता है मेरे को ओयो बुक करना है, मेक माई ट्रिप पे जा सकता है। बाजू वाला दोस्त अगर बोलता है कि भैया मेरे को ओयो बुक करना है, जा सकता है ना, क्या तकलीफ है? जा सकता है, नहीं जा सकता बताओ? बिल्कुल जा सकता है। तो ये सिर्फ इसके लिए, मेक माई ट्रिप सिर्फ भुज अल अरब के लिए काम कर रहा होता तो आप प्रिंसिपली किसके लिए? एक ही व्यक्ति के लिए काम कर रहे होते, मेरा बात समझना। लेकिन अब आप एक इंडिपेंडेंट एजेंट हो जो बहुत सारे लोगों को सर्विस कैटर करके दे रहे हो। इंडिपेंडेंट एजेंट के केस में आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन। आप कॉन्ट्रैक्ट जरूर कॉन्क्लूड कर रहे हो लेकिन आप वहां पे कोई परमानेंसी के साथ नहीं कर रहे हो, लिटिल परमानेंसी के साथ भी नहीं कर रहे हो। तो ऐसे केसेस के अंदर में आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं होना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। साल में शायद एक बुकिंग दोगे तुम, मेरा बात समझना, साल में शायद तुम एक बुकिंग दोगे, ये कोई तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन थोड़ी ना हुआ। यस, सो MMT जस्ट एक्ट एज एजेंट, इट हैज इंडिपेंडेंट स्टेटस। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी एक के लिए काम नहीं कर रहा, वो सबके लिए काम कर रहा है, राइट? जैसे कि तुम अगर यू नो इसको देखोगे, डोमिनोज को देखोगे, जुबिलेंट फूड इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, इंडिपेंडेंटली नहीं डिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, जैगवार डिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। यस, शाओमी के केस में
पर्टिकुलरली अज्यूम कीजिए कि ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक्सक्लूसिवली वर्क कर रहा है, मेंटेन स्टॉक और सिक्योर ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर सिक्योर जरूर हो रहा है, पर वो इंडिपेंडेंटली अगर किसी के लिए काम कर रहा, ऊपर के एग्जांपल में अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होगा एज एन इंडिपेंडेंट एजेंट, तो उस केस में भी बिजनेस कनेक्शन बनने वाला नहीं है। सो प्रोवाइड दैट सच बिजनेस कनेक्शन शैल नॉट इंक्लूड, बिजनेस कनेक्शन शैल नॉट इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। अगर ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटस आ रहा है, कैसा बेटा इंडिपेंडेंट स्टेटस है, तो ऐसे केसेस में आपका क्या नहीं माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा जी सर, ये हुआ बिजी। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, एक रजिस्टर का एक पेज पूरा ले लीजिए। बीसी, बीसी के तीन पार्ट बनाइए। बीसी, बीसी के तीन पार्ट बनाइए। व्हाट इज बीसी, डीम्ड बीसी, नॉट अ बीसी। सो जो मोबाइल कंपनी होती है कुणाल, जो सभी के मोबाइल रख रही है, वो बीसी नहीं माने जाते। वाई? बिकॉज वो सभी के, वो इंडिपेंडेंट एजेंट है। हाँ, लेकिन कोई तो एक हेड एजेंट होगा ना बेटा इंडिया में, जो इन शॉप तक के पहुंचा रहा होगा। ही इज मेंटेनिंग स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, तो बिजनेस कनेक्शन बनता है। हाँ, जो स्पेशलाइज स्टोर रहेगा वो तो बिजनेस कनेक्शन में आ ही जाएगा ना डायरेक्टली। तो शाओमी जितने भी मोबाइल सेल करेगी इंडिया में, उसका जरूर टैक्स भरेगी, ये बात समझ के चलना। इफ अ रेसिडेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट वेयर he has the authority to conclude contract on behalf of non-resident or plays a principal role in conclusion of contracts, or maintain stock on behalf of non-resident, or बोलो सिक्योर ऑर्डर्स मेनली और होली फॉर नॉन रेसिडेंट। सिक्योर ऑर्डर मेनली और होली फॉर नॉन रेसिडेंट। अंकित, इंडियन लॉ में सिर्फ बीसी है बेटा, पी नहीं। अल्टरनेटिव वर्ड यूज किया है, मीनिंग सेम ही है, इंटरचेंजेबली यूज किया है। कोई मेनली वर्ड यूज करेगा, कोई ओनली यूज करेगा, तो दोनों डाल दिए इनकम टैक्स में, कहीं इस वर्ड के चक्कर में टैक्स ना अवॉइड हो जाए। अदरवाइज मेनली और होली को हम सिनोनिमस ही देखेंगे। यस और नो?
बट एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस इज नॉट कंसिडर्ड एज बीसी. सर अब बाकी इस कंट्री ने बीसी लाया नहीं, बाकी कंट्रीज ने वर्ड पी रखा लेकिन बीसी के जैसे वर्ड्स अडॉप्ट करने चालू कर दिए. दे डिडंट चेंज द वर्ड क्योंकि उस चक्कर में शायद उनके बहुत सारे लॉ चेंज करने पड़ जाते, तो उन्होंने पी के डेफिनेशन को अमेंड कर दिया. सर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास भी तो बहुत सारे फोन है, तो फिर भी इसी कैसे हुआ? हमने अपफ्रंट बोला बेटा कि अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी सिर्फ इंडिपेंडेंट एजेंट बोल करके वर्क कर रहा है तो वो बीसी नहीं माना जाएगा. हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो मेनली और होली उसके लिए ऑर्डर सिक्योर करके दे रहा है. यस बच्चे. सर देन एमएमटी विल बी पेइंग द टैक्स इन इंडिया. यस ऑब्वियसली जितना इनकम एमएमटी इंडिया में अर्न कर रहा है बाय वे ऑफ कमीशन दे वुड बी लायबल टू टैक्स इन इंडिया. हाँ जी. नॉट अ बीसी. नहीं समझ में आई बात? सर कहाँ है हम? पांच से सात आठ नौ. नौ का पहला वर्ड मिला बीसी. बीसी में तीन पार्ट थे. व्हाट इज बीसी? नॉट अ बीसी, डीम्ड बीसी. याद आ रहा है क्या? व्हाट इज बीसी क्लियर हो गया. चल रहे हैं आगे. यस डीम्ड बीसी. देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको डीम्ड बीसी दिख रहा है. बराबर है डीम्ड बीसी. आ जाओ बेटा. डीम्ड बीसी कुछ केसेस में लॉ ने डीम्ड बिजनेस कनेक्शन मान लिया. मतलब यहां पे कोई डेफिनेशन के हिसाब से बिजनेस कनेक्शन नहीं है, पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही थी जिसके कारण सरकार को डीम्ड बीसी नाम का प्रोविजन भी लेके आना पड़ा. आप जो आज नेटफ्लिक्स एमेजॉन चीजें देख रहे हो, आप देखिए आज नेटफ्लिक्स के साथ इशू क्या है. नेटफ्लिक्स इज अर्निंग फ्रॉम इंडिया. यस ऑर नो? एक आधी आदमी सब्सक्रिप्शन ले लेता है, अमीर आदमी, उसके बाद में उसको 10-15 लोग शेयर कर लेते. बात समझ रहे हो मेरी? बराबर है. अब एक अमीर आदमी जिसने ले लिया वो हुआ मैं नहीं, दर्शन सर. और 10-15 लोग में से जो पहला है जो शेयर करता वो मैं. समझ रहे हो मेरे बात? लॉ नॉट अ पॉइंट इज जरा नेटफ्लिक्स का बीसी है क्या इंडिया में देखते हैं. अच्छा ये तो समझ गया, नेटफ्लिक्स इज अर्निंग फ्रॉम इंडिया. नेटफ्लिक्स हो गया, कई ऐसी वेबसाइट हो गई जिसके सब्सक्रिप्शन लिए हुए होते हैं. बात समझ रहे हो? अब समझते हैं एक एक पॉइंट. आर दे सिक्योरिंग ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट? नो, ये तो डायरेक्ट है सब्सक्रिप्शन. आर दे मेंटेनिंग स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट? नो, मेनली सिक्योर ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट. No, but Netflix is earning from India. India से कमा के लेके जा रहे. अब तो तुम BC की डेफिनेशन में भी नहीं आ रहे. Yes or no? Amazon Prime, same thing. कई वेबसाइट्स जिसके एनुअल सब्सक्रिप्शन लिए हो सकते हैं आपने. बराबर है. अब आप सोच के देखो, ऐसी कई चीजें हैं जो आपके बीसी के डेफिनेशन में आई नहीं रही थी बट डिवर अर्निंग फ्रॉम इंडिया. अरे हाँ या हाँ, इंडिया ने डिम्ड बीसी नाम का कंसेप्ट डाल दिया. इंडिया ने बोला ऐसे लोगों को भी हम टैक्स करेंगे. समझ रहे हो? ऐसे ये लोग बड़े मासूम होते हैं. इस डेफिनेशन में देखो क्या खूंखार हुए हैं ये लोग. इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया शेल कंस्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. मान लीजिए आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं है
पर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी इंडिया में है। क्या बोल रहे बेटा हम? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी इंडिया में है। क्या बोल रहे बेटा हम? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी इंडिया में है, तो हम मान लेंगे आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। मेरा बात समझना, आप बिजनेस कनेक्शन नहीं है आपका, ओ चम्मी कपूर आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं है अब, लेकिन आपका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी इंडिया में है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट आप इंडिया से कमा रहे हैं, तो भी हम मान लेंगे सब्सटेंशियल, सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल हम बताएंगे सिग्निफिकेंट मतलब कितना अमाउंट, इकोनॉमिक प्रेजेंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तुम इंडिया से, तो अगर हमारी कही गई लिमिट के ऊपर तुम चले गए तो भी हम मान लेंगे तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन कहां है, इंडिया में। ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स, गुड्स 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 अमेज़न गुड्स बेचता है इंडिया में, हाँ या ना? गुड्स सर्विसेज प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेसिडेंट, इज अमेज़न नॉन रेसिडेंट? ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेसिडेंट विथ एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउनलोड ऑफ डेटा, समझ गए? आप किसी वेबसाइट को पेमेंट कर रहे हो ताकि वहां से डाउनलोड कर सको डेटा को, फॉर एग्जाम्पल। हैरी पॉटर सीरीज, समझ गए बात को? डाउनलोड ऑफ डेटा, कहीं पे कोई डेटा रखा है, किसी वीडियो फाइल, MP3 फाइल एटसेट्रा एटसेट्रा, डाउनलोड ऑफ डेटा भी कवर हो गया। और सॉफ्टवेयर इन इंडिया, एप्पल, अनदर एग्जांपल एप्पल, यस, ये गजब के उष्ट सफरचंद के लिए कई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं, यू नो दिस उष्ट सफरचंद, बराबर, इसके लिए कई एप्लीकेशंस पेड करने पड़ते हैं। अब मुझे बताओ, आपको नहीं लग रहा यहाँ डाउनलोड ऑफ डेटा या सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट हो रहा है? अब ये लोग बीसी में आते ही नहीं थे ना, मेनली को ऑर्डर सिक्योर कर रहा है ना, स्टॉक मेंटेन कर रहा है ना, ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है, इन लोगों के लिए लेके आए डीम्ड बीसी, कहा कि गुड्स बेच रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, प्रॉपर्टी दे रहे हो, कौन दे रहा है? नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, या डाउनलोड ऑफ डेटा, डाउनलोड ऑफ सॉफ्टवेयर की सर्विसेज दे रहे हो, एंड इन एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड 2 करोड़, और साल भर में इन वेबसाइट्स को, एप्स को कितने रुपए से ज्यादा का पेमेंट मिल रहा है? 2 करोड़। अब बताइए, अमेज़न क्या इंडिया से 2 करोड़ के ऊपर कमा रहा होगा? अमूल माचो बड़े आराम से, अमूल माचो बड़े आराम से, इज अमेज़न लाइबल टू टैक्स इन इंडिया? यस। कई अन्य वेबसाइट जहां से डाउनलोड हो रहे होंगे, सपोज कोई अमेरिका की वेबसाइट है जहां से डेटा डाउनलोड हो रहा होगा, 2 करोड़ रुपए के ऊपर अगर इंडिया में अर्न कर रहे हैं तो उनका बीसी इंडिया में माना जाएगा, एंड दे आर लाइबल टू टैक्स इन इंडिया, समझ रहे हो बात? हाँ। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेट्स से एप्पल, एप्पल 2 करोड़ से ऊपर इंडिया में कमा ले रही होगी आराम से, सॉफ्टवेयर सेल करके, डेटा डाउनलोड सर्विसेज प्रोवाइड करके, इफ यस, उनको इंडिया में टैक्स देना है, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट कितनी बोली इंडिया ने? 2 करोड़। समझ में आई बात? एग्जाम्पल अमेजोन, अ नॉन रेसिडेंट, सेल गुड्स टू रेसिडेंट, इफ अमेजोन पे इन एग्रीगेट इन इंडिया एक्सीडिंग 2 करोड़, अगर अमेजोन के जो पेमेंट है वो इंडिया से 2 करोड़ रुपए से ऊपर जा रहे हैं, इट विल बी डीम दैट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ अमेजोन इज अवेलेबल इन इंडिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। बस अब क्या करना है आपको, अमेजोन की जगह जो जो भी वेबसाइट है उसके नाम डाल दीजिए, इस तरह से डालिएगा कि बुक किसी को दिखानी नहीं है, समझ रहे हो अब बात को? दूसरा, ये समझ में आया, क्लिक हुआ मालिक सबको? अच्छा जी, एक मिनट सर, अमेजोन का तो वेयर हाउस है ना, तो वो वैसे भी टैक्स लगाएगा। सोनिया बच्चे, अब बीसी में आओ या डीम्ड बीसी में आओ, हमारा ओवरऑल मिला के मतलब ये है, ये नॉन रेसिडेंट जो इंडिया से कमा के लेके जा रहे हैं,
इसको टैक्स देना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा कि वो उधर आ रहा था कि इधर आ रहा था, दोनों भी बीसी माने जा रहे हैं। सर अगर ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड है तो भी स्टॉक मेंटेन हो गया ना बेटा। सोनिया सोहिव, हम एक ही तो बात कर रहे हैं यार, ऐसा है क्या कि स्टॉक मेंटेन कर रहा तो हम बीसी मान रहे और गुड्स बेच रहा तो हम बीसी नहीं मान रहे, ऐसा कुछ हो रहा है क्या मालिक? दोनों भी बीसी है, तुम उधर क्लासिफाई करो या इधर क्लासिफाई करो, दे आर लाइबल टू टैक्स इन इंडिया, क्या फर्क पड़ रहा है? यस सर, आपका ही लेक्चर अदर कंट्री में डाउनलोड करके देख रहे हो तो आप वहां टैक्स देते हैं क्या? अभी मैंने दवाई ली है, कुछ बोल नहीं सकता मैं। डिपेंड करता है उस कंट्री के लॉ बीसी में रखते हैं या नहीं, मेरे को हो सकता है ना वहां पे भी ऐसा लॉ हो डाउनलोड ऑफ डेटा वाला, और अगर मेरा इनकम फिर वहां की सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की लिमिट से ऊपर जाएगा तो मैं दूंगा ना, क्या प्रॉब्लम है? ये सुनो कि हर व्यक्ति को भी मौका कहां मिलता है इंटरनेशनली टैक्स पे करने का, प्राउड की बात है भाई ये भी। हाँ या ना बेबी, ऐसे बीच में फोन नहीं करते हैं, इट्स बैड, समझो क्या कर रहा हूं, कहां बैठा हूं, कंट्रोल। चलो जी, तो सर जब वो वेबसाइट बैन है, कौन सी एक आधी नाम लो, सर अगर मान लीजिए वो वेबसाइट बैन है और फिर भी इनकम कमा रहे हैं, क्या हम तब भी टैक्स लेंगे? आप ही जवाब दो भाई, अब क्या जवाब दो इसका? इसीलिए ना बेटा चैप्टर नंबर 1 में ही मैंने केस लॉ कवर किया था, टीए कुरेशी, ये बैन है, क्यों बैन है, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, मेरे बात समझ। अच्छा मैं एक बात बेटा आपको बता दूं, एक टेलीकॉम कंपनी जो डाटा फ्री देती है उसने बैन किया है। हाँ जनरली इंडिया में बैन नहीं है, ट्राई करो मोबाइल से, सुनो तो मोबाइल से ट्राई करो, वो बैन वेबसाइट नहीं मिलेगा अगर आपका जियो का नेटवर्क है तो, अगर आपका जियो का नेटवर्क है तो, एयरटेल ने भी बंद कर रखी है ऑनेस्टली। यही चीज आप लैपटॉप से ट्राई कर लो, मिल जाएगा। सर आपको कैसे पता? अरे मेरे को बच्चों ने बताया, समझ रहे हो मेरा बात? अपन ने आज तक ऐसा नहीं, अपन सिर्फ बता रहे मार्केट में कैसा होता, समझ रहे हो? हाँ जी चलो, नहीं नहीं थैंक यू, एक्सपीरियंस ना। ओके लेट अस स्टार्ट, करेक्ट है? चलो चलो चलो, दूसरा डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, चलो जल्दी से बताओ। सो इंडिया में गुड्स बेच के, प्रॉपर्टी बेच के, सॉफ्टवेयर बेच के, सर्विसेज दे के, डाउनलोड ऑफ डेटा दे के, अगर अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, क्या उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लिया जाएगा? और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में हो गया तो बिजनेस। सर 2 करोड़ के नीचे है तो नहीं, इंडिया ने एक अमाउंट दी है उसके नीचे वो टैक्स नहीं करना चाहते। इन शॉर्ट छोटे नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, शायद वो उनको अभी टैक्स नहीं करना चाहते। मैंने कहा अभी टैक्स नहीं करना चाहते, समझ रहे हो? कभी ये लिमिट को 2 करोड़ कर देंगे, एक बार ज्यादा लोग आ गए इस नेट ब्रैकेट में तो। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एंगेजिंग इन इंट्रैक्शन विद सच नंबर ऑफ यूजर इन इंडिया, सच नंबर ऑफ यूजर, सच नंबर ऑफ यूजर इन इंडिया, सच नंबर ऑफ यूजर इन इंडिया, सच नंबर ऑफ यूजर इन इंडिया एक्सीड। मान लो आप पैसे से तो 2 करोड़ के ऊपर नहीं कमा रहे हो, पर नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ यूजर इन इंडिया कितने से ऊपर है बेटा? खत्म।
यू हैव बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया? टिंग। एग्जाम्पल बड़े चुन चुन के लाए हैं एक मिनट में, एक मिनट में दिल तक जाएंगे भाई साहब, बात समझना। नेटफ्लिक्स, क्या 3 करोड़ के ऊपर यूजर होंगे इंडिया में? भले ही 2 करोड़ के ऊपर का पेमेंट नहीं आ रहा होगा, बात समझना, भले ही 2 करोड़ के, इंडियन लोगों का दिमाग देखो बेटा, भले ही 2 करोड़ के ऊपर का पेमेंट नहीं आ रहा होगा लेकिन यूजर 3 करोड़ के ऊपर यूजर होंगे क्या नेटफ्लिक्स के? बड़े आराम से। अमूल माचो, बड़े आराम से। आर दे हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया? यस। अब बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया हुआ, 1 रुपए से टैक्स है भाई साहब, ऊपर वाले में भी टैक्स 2 करोड़ के ऊपर नहीं है, 2 करोड़ के ऊपर तो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन है तो 1 रुपए से टैक्स है। ओ चम्मी कपूर, बिजनेस कनेक्शन स्ट्राइक 2 करोड़ पे करेगा, इसका मतलब ये नहीं है टैक्स 2 करोड़ के ऊपर लेंगे उनसे, टैक्स 1 रुपए से ही लेंगे। यहां पे भी मान लीजिए एक ऐप आया टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, बराबर है, उस पर तेरी काली काली 2 अखियां चल रहा है जीवन में, बात समझो, आर द नंबर ऑफ यूजर एक्सीड 3 करोड़। इंस्टाग्राम हैज बीसी इन इंडिया, भले इनकम कमा रहा हो या नहीं, स्नैपचैट ऐसे लोगों को देखा है ना तुमने, जो शायद किसी भी चीज की फोटो डाल सकते हैं, अच्छा हुआ ये मोबाइल बाथरूम में नहीं लेके जाते, नहीं तो स्ट्रिक बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते लोग। आप भी ऐसे दोस्तों से ग्रस्त है तो इन्हें खींच के मारे, जो खाना खाने से पहले टेबल पे, ये रुक 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 स्ट्रिक डाल लेते, बराबर है ना, हर चीज वो नहीं होते जो रोज बताते रहते हैं थर्सडे है मंडे है ट्यूसडे है, हाँ वही लोगों की बात कर रहा हूं मैं। एक्सीड 3 लाख ही, मैंने शायद 3 करोड़ बोल दिया, आई स्टैंड करेक्टेड, ये 3 लाख यूजर ही है। नहीं 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 एक मिनट, वेट, लेट मी जस्ट चेक इट, एक मिनट, कंफ्यूजन ना हो, 2 मिनट में चेक कर लेते हैं। दो ही मिनट, थ्री लैक्स जस्ट रेक्टिफाई दिस, इट्स 3 लाख ओनली, यस 3 लाख, यहां से 3 करोड़ कट कीजिए, 3 लाख है, एंड आई स्टैंड करेक्टेड, मैंने बोलते हैं शायद 3 करोड़ बोला है, इट्स 3 लाख, नंबर ऑफ यूजर एक्सीड 3 लाख, अब तो और नीचे आ गए हम, नंबर ऑफ यूजर 3 लाख, बहुत आसान चीज है शायद ये ना, अकेले पूना से ही मिल जाएंगे इतने, समझ रहे हो? सो नेटफ्लिक्स रेसिडेंट है। अच्छा तुमको पता है एक और चीज, इंडिया इतना गजब का देश है ना इस मामले में, इधर उन्होंने ऐसी बैंड बजाई है नॉन रेसिडेंट्स की, आप जब अपना मोबाइल लेते हो इसमें बहुत सारे ऐप्स आते हैं, जिनमें से कुछ ऐप्स तो आज तक आपने कभी ओपन ही नहीं किए, बट यू आर काउंटेड एज यूजर, क्योंकि वो आपके मोबाइल में है और आपके मोबाइल का एक EIMEI नंबर होता है, वो काउंट कर लेते एक मिनट में कौन से ऐप है, मतलब समझ रहे हो, जिस ऐप को कभी आपने ओपन ही नहीं किया इससे भी वो काउंट कर लेते इस 3 लाख की लिमिट को काउंट करने के लिए। गजब का देश है ना, हम छोड़ते ही नहीं नॉन रेसिडेंट को। हाँ एक्टिव पैसिव कुछ नहीं, यूजर हो सकता है आपके पास डेटा हो पर आपने यूज नहीं किया, यूजर तो हुए ना आप, रोज नहीं देखते होंगे अरे, पर दे
कभी भी सकते हो क्या? तो यूजर लिखा है उन्होंने, एक्टिव पैसिव नहीं लिखा, बात समझो मेरा, यूजर। सो लेट्स से नेटफ्लिक्स इंडिया में रेसिडेंट यूजर है, इफ नेटफ्लिक्स यूजर फ्रॉम इंडिया एक्सीड, बोलो ना बेटा, 3 lakh, इट विल बी डीम्ड एज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नेटफ्लिक्स इज इन इंडिया। द अबाउट ट्रांजेक्शन शेल कंस्टिट्यूट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, जो ऊपर दिए ट्रांजेक्शन 2 crore और 3 lakh वाले, ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस रहेंगे, चाहे कोई अग्रीमेंट इज एंटर्ड इन इंडिया और नॉट, वेदर और नॉट कोई अग्रीमेंट हो इंडिया में, मान लीजिए कोई अग्रीमेंट है नहीं है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माने जाएंगे। कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो, पी वाला वर्ड समझ रहे हो, कोई प्लेस इंडिया में हो ना हो, कोई सर्विसेज आप इंडिया में रेंडर कर रहे हो ना कर रहे हो, आपको बीसी में काउंट किया जाएगा। हालांकि क्या पूरी इनकम टैक्सेबल है? ना, ओनली सो मच ऑफ द इनकम एज इज एट्रिब्यूटेबल टू ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज इन इंडिया। आपकी ग्लोबल इनकम को टैक्स करने की इच्छा नहीं है, जो मेरा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और जो मेरा है नहीं वो मुझे चाहिए नहीं। भारत सिंपल पॉलिसी पे वर्क कर रहा है, समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, आ जाओ। डीम्ड बीसी, डीम्ड बीसी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया इज डीम्ड बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया इज डीम्ड बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ट्रांजैक्शन फॉर एनी प्रॉपर्टी गुड्स सर्विसेस डाउनलोड ऑफ डेटा सॉफ्टवेयर इन एग्रीगेट साल भर में एक्सीड रुपीस कह दो ना 2 crore और कंटिन्यूस सॉलिसिटिंग विथ नंबर ऑफ यूजर एक्सीड 3 lakh डाउनलोड ऑफ डेटा। आ गया स्वाद? वेदर और नॉट एनी एग्रीमेंट एग्जिस्ट, क्या चीज, क्या चीज, हाँ कहाँ रेड में, कहाँ? नहीं नहीं वो इम्पोर्टेंट वर्ड है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में ये जो लिमिट थी ये नहीं थी, ये लिमिट 2 crore और 3 lakh वो अमेंडमेंट है। थोड़ा जोर से बोलिए। यूजर 3 lakh से ऊपर है, यूजर कितने हैं? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया एक्सीड 3 lakh खत्म। सर एक मिनट,
3 लाख तक इनकम कोई एग्जम्प्ट नहीं, इनकम 1 रुपए से टैक्सेबल है। ये सिर्फ लिमिट है कि आप इंडिया में हम बिजनेस प्रेजेंस मान सकते हैं या नहीं। हाँ शुभम, मान लो अगर Amazon Prime एंड शॉपिंग ऐप का एक ही सब्सक्रिप्शन मॉडल है तो दोनों टैक्स पे करेंगे क्या? यस, जितनी रेवेन्यू जिसको आ रही होगी उस हिसाब से वो दोनों टैक्स पे करेंगे। कंटिन्यूस सॉलिसिटिंग, सर वो 3 करोड़ वाला और लाख वाला फिर से बताइए। कुछ नहीं बेटा, यहां गलती से 3 करोड़ लिखा है, 3 लाख है, 3 लैक्स रादर देन करोड़, बस इतना ही है। इज दैट डन? आवाज 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 ब्रो आवाज। हाँ जी, एक मिनट सुनिए, सवाल सुनिए सब लोग। हाँ नहीं समझा, वापस बताइए। डाउनलोड 3 लाख से कम है पर यूजर 3 लाख से ज्यादा है? जरूरी नहीं है। मान लीजिए डाउनलोड कर दिया और मैंने डिलीट कर दिया, तो ऐसा भी पॉसिबल है ना? यूजर मतलब आपके मोबाइल में वो होना चाहिए, भले ही आप उसको एक्टिवली यूज करो या नहीं करो। डिलीट कर दिया तो आप यूजर लिस्ट से गायब हो जाते ना। सर एक मिनट, आप पहले मेरा बात समझो। डाउनलोड किया, डिलीट कर दिया, हम उसको यूजर में काउंट नहीं करते, समझ में ही बात? वो है और आपके मोबाइल में भी है। IMEI से क्लियर हो जाएगा ना वो है या नहीं है। साल में एक बार भी एग्रीगेट से ऊपर गया आप बिजनेस कनेक्शन में हो। हाँ जी, जितना इनकम इंडिया से आता है उसके ऊपर ही टैक्स लगाओगे ना आप। जो फॉरेन से आ रहा होगा, जिसका अक्रूअल और रिसीट ही आउटसाइड इंडिया होगा, उस पर आप टैक्स क्यों लोगे? यस, चलिए, व्हाट इज बीसी क्लियर हो गया? डीम्ड बीसी क्लियर हो गया? अब कुछ चीजों को हम बीसी नहीं मानते। सम थिंग्स आर नॉट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। आओ इधर, नॉट अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। कैसा बेटा? नॉट अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। आप देख लीजिए हम टॉपिक के एंड पे आ गए। यस और नो? भाई जी, 2 टॉपिक खत्म होने आ रहे हैं आपके 12 दिन में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है DT का ही सिलेबस सबसे पेस पे चल रहा है? हाँ, कॉस्टिंग भी 2 चैप्टर हो गए कॉस्टिंग के। पहला खत्म होगा ना आज, सेकंड शुरू हो गया। चल ठीक है, लॉजिकल भी है, लॉजिकल भी है। सबसे ज्यादा टाइम भी मेरे को ही मिल रहा है। ये सुनो, कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन है DT में मजे कर लो, फिर तो क्या ही है। यस, फिर वैसे मैं ये पार्टी दे क्यों रहा हूं? सर DT कब खत्म होगा? दिसंबर में बेटा। 4 चालू किया हूं यार, खत्म तो करने दो। ये लोग पढ़ाने नहीं देते यार, बीच में पार्टी पार्टी करते रहते, उठ पटांग सवाल पूछ लेते कई बार तो, है ना? पार्टी होनी चाहिए ना। हाँ, वैसे मैं आपको मेरा करंट शेड्यूल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। सुन लेने, नहीं बात निकली है तो दूर तक जाएगी ना, हाईवे रोड में होता है। मैं सुबह, सुनो तो भाई, अबे सुनो तो भाई, सुबह 5:30 बजे उठ रहा है, 5:30
हम भी उठ रहे हैं, उसमें क्या है? सुनो तो बे, आगे तो सुनो, पहले पहले खुद तैयार होना पड़ता, बाद में छोटू को तैयार करना पड़ता। हम भी सर अपने आप को तैयार होंगे, नहीं आ गया है राइट सर? हाँ मैम सर, मेरा क्लास का शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ। करंटली लाइफ इतनी प्यारी चल रही है, अपन बोलते ना सीए करने के बाद लाइफ बहुत सेट है, तो सेट लाइफ कैसी है वो देखो पहले, ठीक है? मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, तुम्हारा क्लास लगभग 8:05 को चालू होता है, जैसा भी जो भी राइट, डिपेंडिंग अपॉन कितने जल्दी सारी चीजें हुई। सो 8:05 जो भी चालू हुआ वहां से लेकर के 11:15 बजे तक बैच वन, यहां से निकले 5 मिनट के अंदर में अगर कोई क्वेरीज नहीं रहे तो बैच टू, नहीं तो डायरेक्ट बैच के अंदर में 11:15 से लेकर 2:15 बजे तक के वो वाला बैच, आधी घंटे का खाने का ब्रेक, 2:30 बजे से लेकर 4:45 बजे तक के फाउंडेशन रेगुलर बैच, 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद में फाउंडेशन रिवीजन बैच, 5:30 हो गए, आधी घंटे का ब्रेक, शाम में 6 से 9:30 वो 9:45 तक जाता है, और शायद प्रॉब्लम चलता रहा तो 10, फाइनल वालों को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना शरीर लेके आ जाते ये मेरा शरीर है ठीक है, जो करना है करते हैं। अरे अरे, तो कई बार 10 तक के भी चल जाता जीवन में। ये बैच का शेड्यूल चालू है मेरे, और अब बोलो 10 बजे के बाद कहां पार्टी करना है? संडे ना? हाँ, तो अपन एक काम करते, एक आधी संडे पकड़ते, अपन पहले क्लास लेते मस्त, और यहां से फिर अपन चलते पार्टी के लिए, ये ठीक है? ठीक है, अब धंधे पे ध्यान देते, सॉर्टेड है लाइफ में। सर आप और दर्शन सर गाना गाओ क्या? देखो मेरे बात समझो, गाने वाले व्यक्ति वो है। अरे मेरे को आता ही नहीं गाना गाना जीवन में, तुमने कभी मेरे को गाना गाते देखा है जीवन में? हाँ, मेरे को गाना वाना आता ही नहीं, बहुत बेसुरा आदमी हूँ। अच्छा मैं क्या बोल रहा, ये कोई भी चीज बिजनेस कनेक्शन से कनेक्टेड नहीं है, बिजनेस कनेक्शन एक बार बस यहाँ पे आके खत्म हो जान दो, फिर बाकी चीजों पे ध्यान देते। इधर आओ, द फॉलोइंग वोंट बी एनी बिजनेस कनेक्शन, भाई साहब नॉट अ बीसी, इन चीजों को बीसी नहीं माना जा रहा। पॉइंट नंबर वन, एक्टिविटी विच आर कन्फाइंड टू परचेसेस इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। आप इंडिया आते हैं, इंडिया में सिर्फ परचेस करते हैं और परचेस करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, इंडिया से सिर्फ परचेसेस हो रहा है, नो इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम इंडिया, नो अक्रूअल अराइज इन इंडिया। जैसे मैं आपको बताता हूं, कई ऐसे देश है जो हमारे कंट्री के आसपास है जहां पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, यस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है राइट, जहां पे इंडियन रेस्टोरेंट्स है। इंडियन रेस्टोरेंट्स है मतलब टेस्ट तो तभी आएगा जब इंडियन मसाले डलेंगे। वहां से 2-3 घंटा मैक्स 6 घंटे का फ्लाइट पकड़ के इंडिया आते, इंडिया से पूरा परचेसेस कर दे और डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर देते अपनी कंट्री में। यानी इंडिया में आके उनका एक्टिविटी कितना कन्फाइंड है, आ रहे परचेस कर रहे एक्सपोर्ट कर दे रहे, यस इतना ही कन्फाइंड है। वहां पे चाय पिलाने के लिए यहां से चाय पत्ती उठानी पड़ती, आते परचेस करते उठा के लेके चल जाते। अगर आपका एक्टिविटी सिर्फ इंडिया में परचेस करके एक्सपोर्ट करने तक के रिलेटेड है तो आपका इनकम बिजनेस कनेक्शन में काउंट होगा नहीं। दूसरा, अ पर्सन इन एंगेज्ड इन रनिंग ऑफ अ न्यूज एजेंसी और पब्लिशिंग न्यूज, बीबीसी, यस, पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, वेयर एक्टिविटी विच आर कन्फाइंड फॉर कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया। मान लीजिए अभी रणवीर सिंह साहब ने फोटोशूट करवाया, सपोज बीबीसी आया उस न्यूज को कलेक्ट करने के लिए, उस पिक्चर्स को कलेक्ट करने के लिए, इंडिया में आए, न्यूज कलेक्ट किया, बाहर जाके प्रसारित किया, इंडिया में प्रसारित ही नहीं हुआ, समझ में आ रही बात? नो इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया। इवन इफ वो इंडिया में प्रसारित भी हो गया तो न्यूज दैट इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, न्यूज का फुल फॉर्म है, न्यूज का फुल फॉर्म है न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। सो न्यूज अगर आप प्रसारित करते हैं मीडिया के लिए या देश दुनिया की खबरों के लिए एग्जम्प्ट किया गया है, ये न्यूज कलेक्शन जाकर के ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है तो इसे इनकम का पार्ट नहीं माना जाता। तीसरा, नो इनकम शैल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू सच एन इंडिविजुअल फर्म कंपनी थ्रू
वेयर द ऑपरेशन इन कन्फाइंड टू शूटिंग ऑफ एनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया. मान लीजिए इंडिया में आकर के कोई पिक्चर शूट करी लेकिन इंडिया में इसे प्रसारित नहीं किया गया, नॉट पब्लिश्ड इन इंडिया. शूटिंग लोकेशंस इंडिया थे, यस, पर इंडिया में उसे क्या नहीं किया गया, पिक्चराइज नहीं किया गया. बाहर जाकर के आपने उसमें पिक्चराइजेशन किया, राइट. नो इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया. मान लीजिए ये मूवी इंडिया में भी प्रसारित हो जाती है, जितनी इनकम इंडिया से आ रही है उतनी टैक्सेबल, खत्म हो गया काम. हाँ, चौथा, डायमंड व्यापारियों के लिए ये एक बहुत बड़ा काम किया. क्या होता था, डायमंड का सबसे बड़ा काम होता है साउथ अफ्रीका में, बराबर है. अब इंडिया के जो हीरो के व्यापारी है, देखो सोना चांदी या हीरा जितना इंडिया में चलता है वो वर्ल्ड में कहीं और नहीं चलता. यहाँ पे बचपन, बच्चा पैदा होते उसके गले में यू नो गोल्ड सिल्वर सब डाल दिया जाता है, और जितना यूज इंडिया का होता है गोल्ड सिल्वर डायमंड में उतना कहीं नहीं होता. आप देखो ना बॉस, ऑलमोस्ट अपने घर में हर व्यक्ति के हाथ में कुछ ना कुछ रहेगा, और कुछ नहीं तो एक सादी छोटी चेन डालेंगे, पर डालेंगे लाइफ में, यस, या तो फिर कान में बच्चों के, राइट, हाथ में वो कड़ा वड़ा पहनाया जाता है, पैर में या तो पायल पहनाई जाती, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा प्रीशियस स्टोन में आपके पास. अब इंडिया के जो हीरा व्यापारी थे जब साउथ अफ्रीका जाते थे तो कई बार इनको लूट लिया जाता था, एक्सटॉल्ट किया जाता था. क्या किया जाता था, एक्सटॉल्ट, यस. अब जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो मर्चेंट नेवी में है, वो बताता है सोमालिया में उनके साथ इतना खतरनाक होता है. सोमालिया में जाते वक्त वो पहली बात तो या तो सब कुछ ऑफलोड कर देते या तो अप फ्रंट रेडी रखते उन यू नो देने के लिए, उनको क्या बोला जाता है यार, पायरेट्स को देने के लिए. सोमालिया एक ऐसी जगह है आज भी जहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स है. तो ये जब ऐसा शिप लेके जाते रहते ना, राइट, आई गेस वो सलमान खान की मूवी आई थी अभी, उसमें भी दिखाया था, भारत में भी दिखाया था. तो सोमालिया में ऐसी, सोमालिया आज भी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स हैं. जैसे आप शिप लेके जाओगे, वो बताता है, वो चार बार जा चुका है सोमालिया में, बोले भाई लिटरली जो ऐसा पिक्चरों में दिखाते ना कुछ भी नहीं है, बोले कुछ भी नहीं, मतलब वो आ करके लिटरली कपड़े तक लेके चल जाते, बोले यस. वो ये बात बोलता है, उमरचंद नेवी में मेरा दोस्त है, बोलता है भाई कपड़े तक लेकर के चल जाते कई बार, बोले कुछ बहुत अच्छे रहते, बहुत अच्छे रहते जो आएंगे, सिर्फ पैसा फूड कुछ ड्रिंक्स वगैरह रहेगा वो लेंगे चले जाएंगे. पर शिप को आपको वहां पे रोकना ही है, ऑप्शन नहीं है, आपको शिप वहां रोकना ही है. वो लोग चढ़ेंगे, चेक करेंगे, जो अच्छा लग रहा उनको वो उठाएंगे लेके चल जाएंगे, और आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते ईमानदारी से. आप चुपचाप जाके बैठते हो, चुपचाप जाके बैठते हो ताकि आपका शिप और बाकी सारी चीजें आराम से. हालांकि वो ऐसी गंदगी नहीं करते कि पूरा सामान उतार लिया, ये वो कर लिया, नहीं, उनको भी पता रहता, बट कुछ कीमती चीजें वो उठा के लेके जाते, ये बिल्कुल मतलब उनका है ही कि आए हूं तो कुछ तो लूट के जाऊंगा. अब ऐसे लोगों के लिए साउथ अफ्रीका में जो हमारे हीरा व्यापारी थे, इनको बचाने के लिए मोदी जी ने एक काम किया. उन्होंने कहा कि भैया अगर कोई फॉरेन कंपनी है, मेनली हीरो के व्यापारी साउथ अफ्रीका जा क्यों रहे, हीरो के चेक करने के लिए कैसे है हीरे, और देन अकॉर्डिंगली ऑर्डर करने के लिए. उन्होंने कहा एक काम करो, फॉरेन कंपनी को इंडिया बुलाओ. फॉरेन कंपनीज इंडिया नहीं आना चाह रही थी, रीजन, इंडिया में आकर के अगर डिस्प्ले कर देते, ऑर्डर बुकिंग हो जाती तो इनकम वुड डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया. तो उन्होंने बोला कि भैया हम एक काम करते हैं, फॉरेन कंपनी अगर इंडिया आती है और उनका एक्टिविटी डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड है, डिस्प्ले सेल नहीं, अगर उनका एक्टिविटी सिर्फ डिस्प्ले तक रिलेटेड है तो इट विल नॉट डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया. सेल कर दोगे तो फिर जितना इनकम इंडिया में आएगा उस पर टैक्स देना. In case of foreign company engaged in the business of mining of diamond, activities are confined to display of uncut, unassorted diamond in any special zone notified by central government. तो आपका income not deemed to accrue or arise in India माना जाएगा. तो चार चीजें business connection नहीं है. पहला, purchases for the purpose of export, news, film, डायमंड. आपने शायद मेरे हाथों पे ध्यान नहीं दिया, वापस से सुनिए, ये थ्योरी में पूछा जाता है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, चार चार मार्क के लिए, इंपॉर्टेंट मार्क करो, थ्योरी में आता है ये. व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, ये थ्योरी में पूछते हैं आपको, बराबर है. याद रखने का तरीका, एवरीबॉडी जरा हाथों को इधर देखना मेरे, व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, परचेसेस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, परचेस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट,
न्यूज, फिल्म डायमंड, हीरा है सदा के लिए, समझ में आएगा? डायमंड 1 2 3 स्टार्ट. व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन? परचेसेस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट. खत्म. समझ में आया? ये बिजनेस कनेक्शन में नहीं माना जाता. इज दैट डन? यो भाई साहब, क्या हमारा बिजनेस कनेक्शन भी खत्म हुआ? लगभग चैप्टर भी खत्म हो गया. आओ, नॉट अ बीसी. इफ एक्टिविटी इज कन्फाइंड टू परचेसेस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, कलेक्शन ऑफ न्यूज शूटिंग ऑफ फिल्म्स इन इंडिया, डिस्प्ले ऑफ डायमंड्स. चारों चीज लिख दीजिए एंड टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.
Thank you.
छुट्टी कब से कब तक है? 12 यार ये बंद करो ना, के भाई सुन ना, ये गेट बंद करो, बाहर जाइए, गेट बंद करो, ओपन मत कर। सर मुझे 2 करोड़ का लिमिट था इसके टर्नओवर, हाँ टर्नओवर का था सर, लेकिन अगर अमेजोन जो है उसका वो एक्चुअली छोटे छोटे सेलर्स का अकाउंट करते हैं उसके बिहार पे सेल करने को, तो वो तो 2 करोड़ का अगर उसका नहीं भी रहा, लाइक अगर 2 करोड़ उसका कम रहा टर्नओवर तो भी वो इसमें आ जाएगा डिम डिस में, तो अपन इसमें अज्यूम किया बस कि उसके पास कोई ऐसा सेलर नहीं है। आता ही है, वैसे भी अमेजोन का खुद का सेलिंग भी 2 करोड़ अगर ऐसा अज्यूम करें वैसे 2 करोड़ ऑनलाइन क्वेरीज। सर मैंने कल टेक्निकल टीम से एक बात करी थी मेल के रिगार्डिंग, उन्होंने बोला कि मेल भेज देंगे वो, लेकिन भेजा नहीं, बिना मेल के क्लास सर मिस हो जाएगा। बिल्कुल सही प्रथम, मैंने ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, फिर एक बार दे देता हूँ, प्लीज़ इनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर लें, आपका काम हो जाएगा। आई वॉन्ट टू एनरोल फॉर DT and IDT बैच। कार्तिक यही नंबर्स पर आप कॉल कर लें, एनरोलमेंट हो जाएगा। सर ऑनलाइन वालों के लिए टेस्ट का क्या शेड्यूल है? टेस्ट जरूर है, लेकिन मैंने यहाँ वालों को भी टेस्ट का कोई शेड्यूल नहीं दिया, अचानक से ऐसे आएगी किसी भी दिन, इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। सर डीम्ड वालों में अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं भी है तो भी वो डीम्ड बिजनेस कनेक्शन है। सर NDTV अदानी पावर लेना सही रहेगा क्या? अदानी पावर लेके रख ले, NDTV छोड़ दे। बेटा संजय अभी 1 अक्टूबर से डाटा आना बाकी है, तो आज में भी वो डाटा आ जाएगा तो आज हम करेंगे। सर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो क्या? नहीं, जो चीज मेरे को समझती नहीं मैं करता ही नहीं। बेटा जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, इधर जितने भी लोग हैं फटाफट बैठो भाई, उधर मस्ती बंद, अंदर घुसो, फटाफट अंदर घुसो।
चला लवकर Should I start? Say yes. Okay, now understand. चलो जी, आ जाओ बेटा. चलिए चलिए, हेलो. ओके गाइस, शांत. Okay, let us start. Yes, Malik, welcome after the break. Virtual में जो चार लोग सो रहे थे बेटा, वो सोना बंद कर दो. चैन से सोना है तो जाग जाओ ईमानदारी से, right? जो लोग बैच थ्री के अंदर में सो रहे थे ना बेटा, हाँ मेरे को सब खबर मिल गई है गुप्त सूत्रों से. चलिए, भाई ओ भाऊ, तू कैमरे के सामने. मैं एक काम करता यार, ये लाइन बिठानी बंद करता सीधा. बहुत तकलीफ है, बहुत जगह है. चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. क्या कर चुके हम, चैप्टर खत्म. सर ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक तो आपने बताया नहीं हमको, समझ में आया नहीं. समझ में आएगा कैसे, अभी तक मैंने पांच कहां खत्म किया, अब तो पांच शुरू करूंगा. हाँ, पांच तो सिर्फ लिखाया था ना, वहां के दो वर्ड ढूंढने निकले थे, अब पांच चालू करेंगे. प्लीज कम टू फाइव. सर मतलब हम पूरा घूम के वापस उधर ही आ गए. हाँ, इट्स सो सिंपल. अगर आप देखेंगे सेक्शन पांच में मैं सिर्फ लिखाया था, मैंने पढ़ाया थोड़ी ना. सेक्शन पांच में तो सिर्फ टेबल बना के रखा है. इस टेबल पे आइए. लल्ला लल्ला, अब तुमको जीवन में सब समझ आएगा कि आखिर ये पूरा चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे थे. अब तुम्हें सब समझ में आएगा आखिर ये पूरा चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे थे. तो अब राज खुलने वाला है पिछले तीन से चार दिनों का. मैंने आपसे कहा था कि जरा सबर रख लो, अब सब समझ में आएगा. अब वो इधर आएगा, ध्यान से सुनना. सेक्शन पांच की शुरुआत करते हैं. इंडिविजुअल या एचयूएफ को पूरा ध्यान आकर्षित कर लो. लास्ट का हर्डल एक सेकंड में क्लियर होगा. देन इंडिविजुअल एचयूएफ को या तो हम आरओआर या तो हम आरएनओआर या तो हम एनआर में क्लिक करते हैं, हाँ या ना, पक्की बात है. अब ये दो जगह से इनकम कमा सकते हैं, या तो इंडिया से या तो फॉरेन से. फॉरेन इनकम मतलब वो इनकम जो इंडियन नहीं है. हम इंडियन ढूंढने निकले तो रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. सब क्लियर है क्या ब्रो? ठीक है,
अब यहाँ पे या तो वो इंडियन इनकम होगी या तो वो फॉरेन इनकम होगी। अगर ये इंडियन इनकम है, अगर 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 ये इंडियन इनकम है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल। सेक्शन 5 पे फोकस कीजिएगा। अगर ये इंडियन इनकम है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल, इन शॉर्ट रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, चारों में से अगर एक भी हरकत हो गई तो ये इंडियन इनकम कैरेक्टर ले लेती है और इंडियन इनकम टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। यानी नॉन रेसिडेंट ने भी इंडियन इनकम कमाई, नेटफ्लिक्स ने, समझ में आ गया क्या? सो इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। फॉरेन इनकम, जो इनकम इंडियन नहीं है वो फॉरेन है, फॉरेन इनकम अगर कमाई है, फॉरेन इनकम अगर कमाई है तो आरओआर के लिए टैक्सेबल। आरओआर इज जस्ट लाइक एन इंडियन हस्बैंड, घर पे भी पिटेगा बाहर भी पिटेगा। क्या मैं अलग शब्दों में ऐसा कह सकता हूं, अगर आप आरओआर हो जा रहे हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है? सर बट ऐसे कैसे, फॉरेन में भी तो उसने टैक्स दिया होगा, दिया होगा। अगर फॉरेन में भी वो बंदा टैक्स दे के आया होगा तो वो क्या बेनिफिट लेगा? डीटीडब्ल्यू। सो आर ही विल पे टैक्स इधर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इफ ही पेड टैक्स टू बोथ द प्लेसेस ही विल गेट डीटीडब्ल्यू बेनिफिट। ये क्लियर है मालिक सबको दिमाग में? सो अगर आर ओ आर है तो इसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। एनआर है उसको कोई फॉरेन इनकम आ रही है, मुझे सोच के बताइए, जो बाइडन को साउथ अफ्रीका से कोई इनकम आ रही होगी, इंडिया का कोई संबंध है इसमें? नॉट टैक्सेबल। समझ में आया? आरएनओआर, आरएनओआर, आरएनओआर को दो ही इनकम टैक्सेबल है, या तो वो बिजनेस से आए या तो वो प्रोफेशन से आए। आरएनओआर को दो ही फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, आरएनओआर की इंडियन इनकम टैक्सेबल है, इंडिया पे क्वेश्चन ही नहीं है। आरओआर को जो फॉरेन, आरएनओआर को जो फॉरेन इनकम आ रही है, आरएनओआर को जो फॉरेन इनकम आ रही है बिजनेस या प्रोफेशन, ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन जो सेटअप कहां है? इंडिया में। जिसका सेटअप कहां से है? इंडिया में। जिसकी डिसीजन मेकिंग कहां से हो रही है? इंडिया से हो रही है। ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम कहां टैक्सेबल है? इंडिया में। वापस से सुनिएगा, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। फॉरेन इनकम आरओआर को टैक्सेबल, एनआर को नॉट टैक्सेबल। आरएनओआर की सिर्फ दो फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, बिजनेस से आने वाली और प्रोफेशन से आने वाली, वो भी ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन जिसका सेटअप कहां पे हो? इंडिया में। जिसका थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग कहां हो रहा हो? इंडिया में। यस, मान लीजिए आरएनओआर को कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है फॉरेन से, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया? नो। पहली बात तो ना वो बिजनेस है ना वो प्रोफेशन है, तो उससे इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन से आने वाली इनकम ही टैक्सेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, या तो हम आर में क्लासिफाई करते या तो हम एनआर में क्लासिफाई करते, या तो हम आर में क्लासिफाई करते या तो हम एनआर में क्लासिफाई करते, बोलो ना। हाँ, या तो हम आर में क्लासिफाई करते या तो हम एनआर में क्लासिफाई करते, या तो हम आर में क्लासिफाई करते या तो हम एनआर में क्लासिफाई करते। इंडियन इनकम को कोई छोड़ेंगे क्या? इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू फॉरेन इनकम। अगर आप आर हो तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स करेंगे, जो आपने बाहर भी पे किया होगा उसका क्रेडिट यहां दे देंगे, डीटीडब्ल्यू सॉर्टेड है मालिक। नॉन रेसिडेंट को फॉरेन से कोई इनकम आ रही होगी, एमेजॉन को यूएसए से कोई इनकम आ रही होगी, त्याच्याशी आपला काही घेन देन? उसको हम इंडिया में टैक्स नहीं कर सकते, ना अक्रूड इन इंडिया ना रिसीव्ड इन इंडिया। समझ में आया क्या? पक्का? चलो वापस एक बार देखो, आपका ध्यान था मेरा नहीं था, मैं अपने आप को वापस समझा रहा हूं। आपका था मेरा नहीं था, मैं अपने आप को समझा रहा हूं। विजय सुन, हम कहां है? सेक्शन 5 पे। सर सेक्शन 5 तो हो गया था? नहीं, उसे भी लिखाया था, पढ़ाया है। यस, हम ढूंढने निकल गए थे इंडियन इनकम क्या होता है, फॉरेन इनकम क्या होता है। सो इंडिविजुअल और एचयूएफ, या तो आर होगा या तो आरएनओआर होगा या तो एनआर होगा। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। इंडियन इनकम मतलब रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। सेक्शन 8, 9 याद आ रहा है क्या मेरे को? फॉरेन इनकम जो इंडियन नहीं है वो बची हुई सब फॉरेन है। आरओआर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, एनआर को जो फॉरेन इनकम आ रही है वो टैक्सेबल नहीं है, आरएनओआर को फॉरेन इनकम के नाम पे सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन वाली इनकम टैक्सेबल है। आहो, ऐसा बिजनेस और प्रोफेशन जिसका सेटअप कहां हो? इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ करके बाकी सब लोग या तो आर होते हैं या तो एनआर होते हैं। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू फॉरेन इनकम।
आरओआर के हाथ में टैक्सेबल, दैट इज रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल, एनआर के हाथ में नॉट टैक्सेबल। समझ में आया क्या? फिर समझ में आ गया? बोलो नहीं आया? एग्जाम्पल नंबर बताओ मेरे को। कहां तक के लिखे थे एग्जाम्पल? एग्जाम्पल कितने लिखे थे? फोर आना चाहिए मेरे हिसाब से भी। फाइव आना चाहिए? फाइव लिख दो। अब देखो ये चैप्टर कैसा अंदर जाता है। बिल्कुल दिमाग ना आहा, आम टीचर लाते होंगे दिमाग में, हम दिल तक लेके जाएंगे बेटा, सुनना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर फाइव। एग्जाम्पल नंबर फाइव बराबर, एक किसी व्यक्ति का नाम चाहिए मेरे को, किसी का भी एक का नाम दे दो। शुभम, शुभम, शुभम लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31st December 2022। What is his residential status? Further, he earns the following. Assuming he is ROR, RNOR, NR, compute his total income. Point number A, income from business in Pune, Aplo Pune, amount received in Russia ₹8 lakh, income from business in China amount received in Chandni Chowk, Delhi ₹10 lakh, income from property in Dubai amount received in Iraq amount ₹20 lakh, bracket में computed। D, income from interest on saving account with HDFC Bank, Mumbai, amount received in UK ₹6 lakh, income from dividend from Indian company amount received in South Africa ₹6 lakh। मेरी राइटिंग सुधर गई है ना? वो इंडिया फर्स्ट टाइम जा रहा है, बिजनेस तो ऑनलाइन भी हो सकता है ना?
है ना, तो ये अज्यूमशन मत लेना वो पहली बार जा रहा और अचानक से इतनी इनकम। बिजनेस तो ऑनलाइन भी हो सकता है ना। अब पूरा चैप्टर मैंने एक प्रॉब्लम में डाल दिया, अगर आपको समझ आया तो, पर मैं 2000% श्योर हूं देखो तुम एंड तक आंसर निकालोगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पहले दूसरे सारे सवाल के जवाब आपको देने हैं। लिख लिया, कंप्लीट, डन, जिसका हो गया उसने पहले सवाल का जवाब दो। मेरे लाल पहला सवाल तो देख, मेरे को ये सवाल का जवाब चाहिए। हाँ ओ मेरे भाई, पहले सवाल का जवाब तो दे दो। आर एन ओ आर, आर एन ओ आर, इजी आर ओ आर। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, कुछ भी बातें कर रहे हो यार तुम। इज ही लीविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? कब जा रहा है? दिसंबर, मतलब शुड आई काउंट इट फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर? आई थिंक इट्स मोर देन 182 डेज बाय डिफॉल्ट, टू बी मोर प्रिसाइज 242 या 245 डेज आता है। 275? यस 275 डेज। कितना बेटा? 275 डेज। इज इट मोर देन 182 डेज? आर तो हो गया वो, लेकिन सिर्फ आर बनने से काम चलेगा क्या? मम्मी को बोलो आर ओ आर या आर एन ओ आर। सिंस ही इज लीविंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कैन आई अज्यूम बोथ ऑफ 66 इज सेटिस्फाइड? ही इज आर ओ आर। तो चलिए इसको लिखते हैं पहले, ये नंबर्स क्या आप एक और बार फोटो खींच लीजिए, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं ये नंबर्स के फोटो खींच लीजिए। सर खींच लिया, थैंक यू बाय। चलिए आंसर लिखना होगा, काश मुझे आता आंसर लिखना कैसे, क्या लिखना पड़ेगा? इनकम टैक्स में आंसर लिखने का मतलब वापस से लॉ को ही लिख देना। तो 6166 दोनों लिख दूं क्या भाई साहब? एस पर सेक्शन 6-1, अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। और लिखूं या एंड लिखूं? और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। फर्दर एज पर सेक्शन 66 ही विल बी ट्रीटेड एज आर ओ आर रेसिडेंट एंड ordinarily resident in India if he satisfies both the condition. काश मुझे condition याद आती। He is resident for any 2 out of 10 previous preceding year and B stays in India for 730 days in 7 previous preceding year. I am sure तुमको खुद ही आंसर आ रहा होगा आगे की लाइन में। Since Shubham satisfies both 6-1 and 6-6, he is
ट्रीटेड एज ROR. बराबर है आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया. अब दूसरा सवाल आपसे कह रहा है अज्यूम वो आर ओ आर भी है आर एन ओ आर भी है एन आर भी है उसकी टोटल इनकम निकालो. अब वो आपको बोल रहा है कि सपोज कर लो वो आर ओ आर भी है आर एन ओ आर भी है एन आर भी है अब इसकी टोटल इनकम निकाल दो. उसने कुछ इनकम दी है ठीक है वो आपको तीनों अज्यूम करने बोल रहा है और उसने कुछ इनकम दी है. चलिए निकालते हैं इसकी टोटल इनकम को. बराबर है गिव द हेडिंग टोटल इनकम पर्टिकुलर ऐसा फॉर्मेट बनाऊं तो आपको सही लगेगा क्या देखना पर्टिकुलर्स आर ओ आर आर एन ओ आर एन आर ऐसा फॉर्मेट एक ही टाइम पे तीनों चीजें निकल जाएगी ब्रो हैशटैग ब्रो. लो ऐसा कुछ फॉर्मेट बना दिया मैंने टोटल इनकम निकालने के लिए. सपोज कर लो वो आर ओ आर भी है आर एन ओ आर भी है एन आर भी है ठीक है. चलो एक एक इनकम को पकड़ते हैं ढूंढते हैं इसका होना क्या चाहिए. ठीक है मैं जब भी आपको कोई इनकम बताऊंगा आपसे उम्मीद है कि पहले आप सिर्फ ये बताओ इज इट इंडियन इनकम और नॉट एन इंडियन इनकम. आपसे सिर्फ इतना ही काम है अभी. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे पुणे अमाउंट रिसीव्ड इन रशिया. कैसी बात कर रहे हो रशिया में मिला है क्या हुआ बेटा अक्रू हो गया इंडिया में. इज इट एन इंडियन इनकम. चलो सेक्शन 5 लगा दो. इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू आर ओ आर को ये 8 लाख मिला क्या इंडिया में टैक्सेबल है. आर एन ओ आर को 8 लाख मिला क्या ये टैक्सेबल है. एन आर को इंडियन इनकम मिली क्या ये टैक्सेबल है. क्या मैं कह सकता हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे क्या इस कॉलम में भी 8 लाख इस कॉलम में भी 8 लाख आएगा. अगर ये आर ओ आर है तो भी 8 लाख टैक्सेबल है आर एन ओ आर है तो भी 8 लाख टैक्सेबल है एनआर रहा तो भी 8 लाख टैक्सेबल है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. अब समझा क्या कैसे आपने 6, 5, 9 तीनों को एक साथ जोड़ दिया. पर ये तुमने कैसे निकाला मैंने तो पढ़ाया ही नहीं. गुड चलिए समझिए. दूसरा चैलेंजर नहीं बोल पाओगे. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चाइना अमाउंट रिसीव्ड इन चांदनी चौक दिल्ली टैक्सेबल. तुम यार डायरेक्ट जम कर गए. मैं एवरेज बच्चा हूं भाई पहले ये तो बताओ इंडियन इनकम है या फॉरेन है. इफ इट इज एन इंडियन इनकम सेक्शन 5 लगाओ. इज इट टैक्सेबल टू ऑल. समझ में आया क्या. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चाइना अमाउंट रिसीव्ड इन दिल्ली कितना है बेटा वो 10 लाख बहुत हार्ड होते जा रहे हैं ना रेसिडेंशियल स्टेटस. अब समझे मैं क्या कह रहा था आपसे. सिर्फ सबर रख लो तुमको सब समझ में आ जाएगा क्यों चल रहा है और क्या चल रहा है. आपका टोटल इनकम तब तक नहीं डिटरमाइन हो सकता जब तक रेसिडेंशियल स्टेटस ना पता हो. कुछ समझ में आया क्या. क्योंकि ये डिपेंड करता है आर ओ आर को क्या मिल रहा है आर एन ओ आर को क्या मिल रहा है और एन आर को क्या मिल रहा है. अब पहले दिन जब ये टॉपिक समझा रहा था ये लाइन का मीनिंग भी तुमको नहीं समझा सकता था मैं. इसीलिए डीटी में सिर्फ एक चीज की जरूरत है वो है पेशेंस. तीसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दुबई अमाउंट रिसीव्ड इन इराक
तुम फिर नॉट टैक्सेबल पे पहुंच गए? साला कंसेप्ट क्या समझ गया? बहुत आगे पहुंच रहे हो क्या? इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम? फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है। एक मिनट, प्रॉपर्टी इन दुबई, बताइए फॉरेन इनकम है, आरओआर को टैक्सेबल है क्या? आरओआर इज जस्ट लाइक एन इंडियन हस्बैंड, घर पे भी पिटेगा बाहर भी पिटेगा। एनआर को फॉरेन इनकम मिल रही है टैक्सेबल? आरएनओआर को फॉरेन इनकम टैक्सेबल है अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन से आ रहे। क्या ये बिजनेस या प्रोफेशन है? ठीक है क्या साहब? ये तुम कर रहे हो इसलिए मैं कर रहा हूं, मेरा कोई लेन देन नहीं है इस प्रॉब्लम में। ठीक है जी, देख बेटा सुन मेरी बात, व्हेनेवर यू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई विल चेंज। तो तुम कोई भी चीज में कुछ भी चेंज करोगे तो वो वैसे ही हो जाएगा। बिजनेस ही अगर प्रॉपर्टी बेचने का होगा, हमें अगेन देखना पड़ेगा रिसीव कहां हुआ, अक्रू कहां हुआ। ऐसे तो बेटा तू कितने भी फैक्टर चेंज करेगा हर एक चीज चेंज होंगी उसमें। अरे आज जाओ तुम क्या बता पाओगे? इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट विथ HDFC बैंक मुंबई, फिर टैक्सेबल? इंडियन इनकम फॉरेन इनकम? पक्का जी? टैक्सेबल टू ऑल कर दूं मैं? देखो तुम बोल रहे हो इसलिए। हाँ, इंटरेस्ट इनकम सिक्स लाख, लास्ट डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी अमाउंट रिसीव्ड इन साउथ अफ्रीका, पक्की बात है क्या ब्रो? बहुत हार्ड होते जा रहा है ना डीटी। अब सोचो किसी का एक दिन भी मिस हुआ होगा इस पूरे चैप्टर में, उसको आज कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा जीवन में चल क्या रहा है। चलो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इज इट 50 लाख, 30 लाख एंड 30 लाख ब्रो? यानी अगर शुभम आरओआर रहेगा तो इनकम टैक्स में इसकी इनकम 50 लाख होगी, यही अगर शुभम आरएनओआर या एनआर रहा तो इनकम टैक्स के हिसाब से इसकी इनकम 30 लाख होगी। हेंस प्रूव्ड टोटल इनकम कांट बी कंप्यूटेड अनलेस रेसिडेंशियल स्टेटस इज नोन। द फर्स्ट लाइन ऑफ चैप्टर, टोटल इनकम ऑफ एसएससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो, बराबर है? इस लाइन को समझाने के लिए 4 दिन लगे। समझ में आया कि क्या चल रहा है जीवन में? यस। अच्छा, इस प्रॉब्लम के नीचे एक नोट लिखो, ये नोट आपको ना समझ नहीं आएगा क्या है, पर कुछ है, ला लूंगा सही टाइम पे। लिखो नोट, एज पर सेक्शन 80TTA, एज पर सेक्शन 80 TTA एज पर सेक्शन झंडू टीए का 80 एज पर सेक्शन 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन एज पर सेक्शन 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट
इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन. इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, बस लिख दो, खत्म करो. ये लाइन आपको अभी समझ नहीं आएगी, फ्यूचर में कभी देखेंगे. पर ये तो मैंने सॉल्व किया, एक और क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है? बनता है. चलो तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं दे ही देता हूं. एग्जाम्पल नंबर 6, अज्यूम. आपका नाम क्या मैम? हाँ, अज्यूम ईशानी इज आर ओ आर आर एन ओ आर एन आर कंप्यूट हर टोटल इनकम. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया रुपीज 20 लाख. 50% अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता रुपीज 9 लाख. अमाउंट रिसीव्ड इन पाकिस्तान. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई रुपीज 12 लाख. अमाउंट रिसीव्ड इन दुबई. बिजनेस इज सेट अप इन इंडिया. डिविडेंड इनकम फ्रॉम फॉरेन कंपनी एप्पल रुपीज 22 लाख रिसीव्ड इन हर SBI अकाउंट इन पुणे. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन जलगांव कहे बो कहे डाला बो अड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना वो. इनकम फ्रॉम, भाई मैं खुद जलगांव से रहा हूँ, मेरे को मालूम है. आई लव इट. यस यस, कौन भूल सकता है कृष्णा भरीत सेंटर. आओ यार. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन जलगांव रुपीज 20,000. अमाउंट रिसीव्ड इन श्रीलंका. ब्रैकेट में लिखना कंप्यूटेड. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया रुपीज 16 लाख. इनकम फ्रॉम लॉटरी earned in India. Amount credited to her
स्विस बैंक अकाउंट रुपीस 50 लाख, आपको मिलते हैं कुल मिलाकर के 4 मिनट। ओह माय गॉड, क्या हुआ? क्वेश्चन लिख लिया सबने? कैसे कर रहे हो यार? एक बात पता है, ये प्रॉब्लम बिना बात किए भी सॉल्व किया जा सकता है। खासियत है इस प्रॉब्लम में, छोड़ो मैं सॉल्व कर रहा हूं। छोड़ो मैं सॉल्व कर रहा हूं। अरे छोड़ो, तुमसे ना हो पाएगा। डीमोटिवेट, प्रथम ने तो एक जवाब निकाल दिया है, 100% गलत है। देखने दे, लिखने दे,
आर वन नाम बता दे रहा। साक्षी पहुंच गई है। आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर। हाँ बेटा बोल। 113 एम। हाँ साक्षी के जवाब आ गया। बोल तेरा भाई, तेरा नाम क्या है? मन। बोल भाई आर ओ आर का 1,29,20,000 ऐसा 1,19,20,000 और कोई जवाब है किसी का? वन नाइन सेम। यहाँ पे तीसरे में भी पहला वाला 1,19,20,000 ओके ब्रोज। ओ जी ब्रोज, यहाँ डाल दिया मैंने आर ओ आर, यहाँ डाल दिया मैंने आर एन ओ आर और यहां डाल दिया मैंने एनआर। ठीक है नाउ लेट अस चेक एक एक करके सभी लोग। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया 20 लाख, 50% अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। पहले कॉलम में कितना लिखो? 10 लाख और 20 लाख। हाउ मेनी पीपल 10 लाख? रेज योर हैंड। 10 लाख रेज योर हैंड। वेरी गुड। हाउ मेनी पीपल 20 लाख? रेज योर हैंड। और जिनने हाथ नहीं उठाया उनका? एंड द आंसर इज 50 है। अब 50 इंडिया में मिले क्या, 50 बाहर मिले क्या? इंडियन इनकम फॉरेन इनकम है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। समझ में आया? बाकी आर एन ओ आर एन आर को जितना इंडिया में मिला उतना टैक्सेबल। क्लैरिटी है मालिक? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता, इसके आगे मेरे को पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसके आगे मैं नहीं पढ़ूंगा। अमाउंट किधर में रिसीव हो रहा है, इससे कोई गेन देन नहीं। क्या मैं कह सकता हूं ये इंडियन इनकम है ब्रो? 9 लाख। फॉरेन इनकम हुई 10 लाख, इंडियन इनकम 10 लाख। तो आर एन ओ आर को जितनी इनकम इंडिया से हो रही उसको टैक्स कर रहे ना। बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप कहाँ है वो कहाँ लिखा है? हाँ सेटअप इन इंडिया कहाँ लिखा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई है आईका। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, अमाउंट रिसीव्ड इन दुबई, बिजनेस इज सेटअप इन इंडिया।
इज इट इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम? फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम आरओआर को टैक्सेबल? इट इज नॉट एन इंडियन इनकम, इट्स अ बिजनेस इनकम। अक्रू और रिसीव दोनों आउटसाइड इंडिया हो रही, सिर्फ सेटअप इंडिया से है। आरएनओआर को भी टैक्स होगा, एनआर को टैक्स नहीं होगा। सेक्शन 5 रीड कीजिए वापस। सेटअप इन इंडिया का कंसेप्ट सिर्फ आरएनओआर के लिए है, सेटअप इन इंडिया का कॉन्सेप्ट सिर्फ आरएनओआर के लिए है, एनआर के लिए है ही नहीं है, फॉरेन इनकम है प्योरली। सिर्फ सेटअप इंडिया से है तो आरएनओआर को फर्क नहीं पड़ेगा। डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी बट रिसीव्ड इन हर एसबीआई अकाउंट इन पुणे, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम? रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन जलगांव, आगे पढ़ू कि छोड़ू? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, एग्जम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट। और रुको, आते रुको बे, अभी मजा सिखाता हूं। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट बेटा, चैप्टर नंबर 1 में जाओ, जाओ जाओ, पलटो पलटो। तुमको पढ़ाने का मेरा तकनीक समझ आएगा कि मैं 2 चैप्टर बाद भी आगे लेके जाता हूं वापस। हमने एग्जम्पशन और डिडक्शन वर्ड के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, वहां जाओ। पढ़ो हाइलाइटेड पोर्शन। जो इनकम एग्जम्प्ट है वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। पीजीबीपी एग्रीकल्चर 5 लाख तुम्हारे ही हाथों से लिखा है बेटा, क्या हुआ? सीए फाइनल, फर्स्ट अटेम्प्ट। आता कैसा वाटते मुझे बताइए, ये शब्द आपको क्या समझाता जब तक आपको कुछ समझता ही नहीं था? कैसे कवले कवले थे 12 दिन पहले, समझ रहे हो? कैसे कवले कवले बच्चे बन के आए थे, अब समझ में आया क्या? जो इनकम एग्जम्प्ट है हम उसे टोटल इनकम का पार्ट नहीं मानते, इसलिए डैश 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 कर दिया। रिसीव होगी, बैंक अकाउंट में जरूर होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, हमें टोटल इनकम निकालनी है। मेरे भाई ने एक सवाल उठाया है, सर वो एग्रीकल्चर से आया, एग्रीकल्चरल लैंड अलग है ना? अगदी बरोबर है भाऊ, तू जरा पृष्ठ पलट। चैप्टर नंबर 3 यहां डिस्कस करेंगे। मेरे को ऑलरेडी मालूम था ये सवाल आएगा। पूरा चैप्टर रखा है 4 पेज तेरे लिए, टेंशन न के। वैसे एक सवाल था मेरा, एग्रीकल्चर अदर देन एग्रीकल्चर लैंड आ जाएगा क्या? जस्ट आस्किंग हैशटैग। इनकम फ्रॉम लॉटरी अर्न्ड इन इंडिया, ईशानी के स्विस बैंक अकाउंट में गया, बताओ क्या करेंगे? कुछ भी। हो गया बेटा, चलो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ओ या सेक्सी सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट। अटेम्प्ट अटेम्प्ट आता कलालो का नीचे माई नोट
नीचे माई नोट, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, माई नोट, एग्जाम में लिखने का नहीं, अपने आप को मैसेज कर रहे हो, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। सेटअप इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट, सेटअप इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट, सेटअप इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ आर एन ओ आर के लिए है। कैसे आंसर निकाल रहे हो यार धनाधन, एक प्रॉब्लम में तीन प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हो, क्यों तुम्हें तो टॉपिक ही नहीं समझ आ रहा था दो दिन पहले, क्या हुआ बेटा? नहीं यार टॉपिक समझ, दो दिन पहले ईमानदारी से बोलना, दो दिन पहले तीन दिन पहले तुम सीरियसली ये सोच रहे थे जीवन में ये चल क्या रहा है और हम कर क्यों रहे हैं ये सब आर ओ आर आर एन ओ आर एन आर, बिकॉज दैट इनकम नीड टू बी अपोर्शन बिटवीन आर ओ आर आर एन ओ आर एन आर, समझ में आया? हाँ, सिर्फ शांति बनाए रखो, देखो कैसे जाता है, बिल्कुल या नहीं आ जाएगा तुम खुद ऑटोमेटिक निकालोगे, पर मेरे को लगता है गलती हुई है तो एक और बनता है, ठीक है? अरे यार लिखेंगे नहीं तो पढ़ेगा कैसे इंडिया? देखो ये प्रॉब्लम है, और एक मिनट अभी इसको सॉल्व नहीं करना, मैं बता रहा हूं ये है, चलो डू वन थिंग, चलो डू वन थिंग, प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व कर दो बुक में, टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर दो तुम्हारे प्रॉब्लम नंबर 8, इंडिया में टैक्स, और यहाँ जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट वहां मिल जाएगा, सेव कैसे होगा, उल्टा उसको 10% उधर देना पड़ेगा ना। चलो डन हो गया सॉल्व, एनीबडी विद द आंसर, कुछ कह रहे हैं 1,00,000, 21,000, 21,000, let me check, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी है मतलब इंडियन इनकम, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू, इज इट 15,000, 15,000, 15,000, एवरीबॉडी? डिविडेंड फ्रॉम अ जापानीज कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड इन जापान,
ROR के लिए 5-& इट्स अ फॉरेन इनकम. रेंट कंप्यूटेड फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंडन 75-. एवरीबॉडी. डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज इट 666. इंडियन इनकम इंडियन कंपनी से मिला है तो -. बहुत हार्ड होते जा रहा है ना. अब बताओ 6 मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या बुरे हैं? हाँ तो 6 तो मिलेंगे. 2 ROR के लिए, 2 RNOR के लिए, 2 NR के लिए 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ब्रो. एक थोड़ी 3 नॉलेज एक साथ अप्लाई कर रहे हो भाई. सर 1 मिनट, इसके 6 मिल रहे हैं. हाँ इसके इसके वैसे आपको बता दूं, ये जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया मॉड्यूल में, आपके मॉड्यूल खोलिएगा देखिएगा ये प्रॉब्लम है वहां पे. हाँ एग्जाम में टेबल बनाने का ना, उसमें क्या है, एग्जाम में डिटेल्स दिए सेम उठाओ पर्टिकुलर ROR RNOR NR धनाधन लिख देने का नीचे नोट्स खत्म. हाँ जी स्टेप मार्किंग रहती ना मालिक, क्यों नहीं रहेगी. मान लो इसमें से अगर कोई एक जगह गलती हुई तो अकॉर्डिंगली वो 1-1-1 तीनों का कट कर देंगे. बहुत हार्ड है ना. वाह भाई. क्या बात कर रहे हो, सच्ची सच्ची. चलो प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करो रजिस्टर में. अच्छा 1 मिनट रुको रुको रुको, इसमें एक कॉन्सेप्ट है पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम. इसमें एक कॉन्सेप्ट है पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम, ये बाकी है अभी. रुको ये नहीं कर पाओगे अभी. चलिए ये तुम जरूर कर सकते हो. प्रॉब्लम नंबर 5, इट्स अ नवंबर 16 RTP क्वेश्चन. प्रॉब्लम नंबर 5, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मार्केट इज इंपॉर्टेंट, और आपको पूरे 2 मिनट दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए. चलो एक काम कर लो 3 ले लो, उससे ज्यादा मत मांगना.
हाँ जी क्या हुआ? पहले ये तो बताओ ही जारो आर आर एन ओ आर एन आर ओके ओके हाउ मेनी पीपल ही इज आर ओ आर गुड आर एन ओ आर आर एन ओ आर एक हाँ उसमें क्या बेटा दो आर एन ओ आर गुड 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 तीन तीन एन आर एन आर और बाकी सब जिसने ध्यान ही नहीं दिया कि ये करना भी है क्या करना है प्रॉब्लम में करना है पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा चलिए देखते हैं किन किन को अटेम्प्ट लगे सर यार आप अटेम्प्ट नहीं बोलते यार जीवन में बोल सकते ना रॉन्ग हुआ जीवन में अपने आप को ऑप्शन ही मत दो गलत मतलब अटेम्प्ट जहां तुमने अपने आप को लिवरेज दिया याद रखना बेटा अगर ये एटीट्यूड आ गया ना लाइफ में कि अपने आप को भी नहीं बख्शोगे तो बिलीव मी कोई दुश्मन खड़ा ही नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम जब अपने आप को नहीं बख्श रहे हो तो तुम किसी को नहीं बख्शोगे एटीट्यूड ही यही होना चाहिए इधर आई एम राइट एंड पास इधर आई एम रॉन्ग एंड अटेम्प्ट खत्म चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एटीट्यूड ही ये रखो पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द करो कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की भी चेक करो श्रवण इज इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन है ब्रो एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11/2/2022 फॉर ऑल दोज हु अंडरस्टैंड दिस योर प्रीवियस ईयर इज 22/23 और प्रीवियस ईयर में वो जीरो डे इंडिया में है अरे सर पर 11/2/2022 अरे झंडू तेरा प्रीवियस ईयर ही अप्रैल में चालू हो रहा प्रीवियस ईयर में वो जीरो डे इंडिया में है ब्रो दूसरा साथ में मेंशन भी आगे देखो ही डिड नॉट विजिट इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर क्या हुआ बेटा क्या पप्पा की परी राइट क्या बनाना अपने को रोटी अरे तुम डिसाइड करो बैलेंस शीट साइन करना है किसी फाइव स्टार होटल की या उस फाइव स्टार होटल की रोटी पकानी है क्लियर प्रॉब्लम में लिखा है डिड नॉट विजिट एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर अबे जब एक दिन भी प्रीवियस ईयर में वो था ही नहीं ना 182 सेटिस्फाई कर रहा है ना 60 सेटिस्फाई कर रहा है ही स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट दूसरी बात वैसे भी ही इज लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 182 की एलिजिबिलिटी थी हाँ तो वो आर ओ आर वाले कौन थे बेटा जो हाथ ऐसा उठाया था ना ऐसा टपली मारने का मारो मारो गलती है मारने का खुद ने है ना ऐसा टपली मारने का और क्या करने का मालूम है ऐसा पेन लेने का पेन में ऐसा हाथ में लिखने का मैं पागल हूं उसकी शादी हो जाएगी मुझे उसके बच्चे मामा बुलाएंगे बुआ मेरी औकात है क्या सीए करने की मैं बेअक्कल आदमी ऐसा सब लिखने का और दिन भर आज देखने का ऐसा कैसा ऐसा कोई मिले ना हाथ दिखाने के लिए भाई हाथ मत मिला लाइक ही नहीं पेपर सर बहुत बेइज्जती हो रही है बजा रहा हूं मैं अबे मैं नहीं करूंगा तो समाज करेगा बेटर है टीचर ही कर ले समझ रहे हो बात मैं यहां तुम्हारा अपना हूं गलती करूंगा मार भी दूंगा बात समझना लेकिन मैं नहीं करूंगा तो पूरा समाज करेगा मेरा सहलोगे उनके सहने नहीं दूंगा एज अ टीचर समझ रहे हो बात को इधर आओ हाँ और किसी ने बुरा नहीं मानना बेटा इस चीज का बात समझो
यस, क्योंकि तुम अपना घर बार सब कुछ छोड़ के हो, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब मैं है। यूज वाइजली। राइट हैंड में खुद ली आती तो क्या होता, पैसा आते। अरे एक नंबर वाला आ गया। सो ही इज नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बोलो ना ब्रो। अब नॉन रेसिडेंट है पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, इसको सैलरी मिल रहा है, इज दैट सैलरी टैक्सेबल? यस। फॉरेन अलाउंस मिल रहा, एग्जाम। इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम अ बैंक इन इंडिया, टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन मलेशिया, एक मिनट, एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, पर ये फॉरेन इनकम है। याद सुनिए, एग्रीकल्चर इनकम जो सिर्फ इंडिया से आ रही है वो एग्जम्प्ट है, मतलब ये एग्जम्प्ट नहीं थी, बट ये फॉरेन इनकम थी। नॉन रेसिडेंट के हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन मलेशिया, वापस से फॉरेन इनकम हो गई, यानी ले दे के यहां पे दो ही इनकम टैक्सेबल है। यस, इज दैट डन? चलिए प्रॉब्लम नंबर 5 लिखिए। हाँ जी बेटा बोलो। कौन सा डिडक्शन चाहिए बेटा आपको इसमें से? बेटा वो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती, इनकम में ही नहीं आती, ग्रॉस में भी नहीं और टोटल में भी नहीं। प्रॉब्लम नंबर 5, सिंस श्रवण डिड नॉट स्टेड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंस। एज पर सेक्शन, बोलो ना बेटा, 6(1). नाउ हिज टोटल इनकम इज एज अंडर, आपको नहीं लगता एक ही ऐसा प्रॉब्लम पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस एक साथ आ जाता? पर्टिक्यूलर्स रुपीस सैलरी। मेरे एक बात समझना, सुनो, एक अभी एडजस्टमेंट बता रहा हूं, अभी नहीं समझ आएगा, बराबर है, पर सिर्फ कर लेना। सैलरी कितना था बेटा? 6,10,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी के बाजू ये लिखा है क्या, देखो जरा, कंप्यूटेड लिखा है क्या? नहीं लिखा। ये एडजस्टमेंट अभी कर दो, अभी समझ नहीं आएगा, पर मेरे लिए कर दो। एक्चुअली ऐसा है कि सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। अगर प्रॉब्लम में कंप्यूटेड लिखा हुआ ना हो तो आपको 50,000 पहले माइनस करने चाहिए। इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं एचपी के बाजू और सैलरी के बाजू बार बार कंप्यूटेड लिखाता हूँ चैप्टर नंबर 1 से ही। ये उसका लॉजिक है एक्चुअली। फॉरेन अलावेंस डैश, इसके बाद में इंटरेस्ट कितना बेटा, इज इट 1,10,000? उसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम मलेशिया, प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम मलेशिया, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल शुड कम टू
6,70,000। डन, नीचे नोट लिखिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000, नोट लिखिए, नोट लिख रहे हो, माई नोट नहीं। अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000, अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 इज अवेलेबल फ्रॉम बोलो ना बेटा, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। डर एक मिनट, नेक्स्ट एक और लाइन लिखो। एग्रीकल्चर इनकम एंड प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम मलेशिया, एग्रीकल्चर इनकम एंड प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम मलेशिया is foreign income which is not taxable in India, which is not taxable in India to a non-resident. Note number three. Foreign allowance and perquisite is exempt under section 10(7). Section 10, subsection 7. Both hard. Mark the problem as important. कहाँ ओ क्या बन, रुको जरा, जीवन में सबर करो। क्या होमवर्क लो एक, हाँ ना, हो गया। इनकम फ्रॉम लॉटरी अर्न्ड इन यूके, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया रुपीज 8 लाख,
इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड ₹8,00,000 50% अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर अमाउंट रिसीव्ड देयर बिजनेस इज सेटअप इन सिंगापुर इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली अमाउंट रिसीव्ड इन बैंगलोर ₹9,00,000 एग्रीकल्चर इनकम अर्न्ड फ्रॉम पाकिस्तान ₹8,00,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन केरला अमाउंट ₹8,00,000 कंप्यूटेड received in Bangladesh एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा तेरे से सवाल रिसीव्ड इन इंडिया रहा तो क्या होगा जब कुछ नहीं लिखा है मतलब वहीं पे रिसीव हुआ है ना टैक्सेबल रहेगा ना इंडियन इनकम हो जाएगी ना पर एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम सॉरी टैक्सेबल रहेगा क्यों अगले चैप्टर में पता चलेगा लॉ कहता है लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया एग्रीकल्चर को एग्जम्प्ट करना है तो इज दैट झाला चलो जी सो ध्यान से सुनिएगा कल का लेक्चर में हम लोग थर्ड चैप्टर पे एंटर कर जाएंगे द थर्ड चैप्टर इज एग्रीकल्चरल इनकम आपके दो चैप्टर हो चुके हैं चैप्टर वन और चैप्टर टू पे टेस्ट आने बाकी है हो सकता है दोनों पे एक साथ आ जाए हो सकता है अलग अलग आए कुछ भी हो सकता है बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम एनी डे तभी तो मजा आएगा ना यस सरप्राइज टेस्ट ऑलवेज ये जो टेस्ट होगी ऑनलाइन वालों को भी मिलेगी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जब भी टेस्ट होगी उसके एक हफ्ते के अंदर में आपके आंसर्स भी इस पे अपलोड हो जाएंगे सजेस्टेड आंसर टेस्ट विल बी रिटर्न हियर ओनली डन बाय एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क